तसव्फ में सलूक इल्लाह सिर्फ दो कदम है दो इंतहाएँ हैं एक इनकार करने वालों की इंतहा है और एक मानने वालों की इंतहा है नौजवान नस्लों और लोगों का नकली चीज पर तनकीद और एतराज सुन सुन कर असल से भी एहत उठ जाता है बच्चों पर जुल्मे बाहर से होके आते हैं तो उनका दीन खराब होता है घर आके अपने माँ बाप के साथ टाइम गुजारते हैं तो उनका अखलाक ख़राब होता है जो चीज़ जितनी गैर संजीदा कही जाए जितनी बेहुदा बात कर दी जाए उतनी वायरल ज्यादा होती है जिस इल्म में हया न रहे जिस इल्म में वफा न रहे जिस इल्म में अदब न रहे वो इल्म जहरीले सांप की तरह ओलिया कराम की करामात का जिक्र कुरान मजीद में है औलिया की करामात का मुतलकन इनकार करना कुफ्र है अमामा अब तमिया ने कहा की को जिंदा करने की करामत हक़ है दुनिया में किसी वलीउल्लाह की करामत इतने तबातोर के साथ बयान नहीं हुई, जितनी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। نحمده و الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم

और उनकी अजमत विलायत से मुताक इसमें उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ जिनमें उनकी तालीमत भी आएंगी उनके हवा भी आएंगे और उनकी करामात भी आएंगी। आज की गुफ्तु का आगाज़ मैं इन जुमलों से करता हूँ जो बड़े मख्तसर हैं उन जिन के मानी बड़े अजीम हैं वो ये कि तसवुफ़ क्या है और तसवुफ़ में सलूक क्या है सलूक व तरीक़त क्या है सव्फ में सलूक इल्लाह सिर्फ दो कदम यह बात समझाना चाहता हूं तो में अल्लाह की बारगाह का सलूक जब बंदा सालिक बनता है तो अल्लाह की राह का मुसाफिर बनता है तो अल्लाह तक पहुंचने का सफर सिर्फ दो कदम पहला कदम है मखलूक से ताल्लुक में नफ्स को निकाल देना ये तस्वुफ़ की रूह समझा रहा हूँ असल तसवुफ़ है क्या सूफिया की तालीमात क्या है सूफिया का पैगाम क्या है पहला कदम यह कि जब आप मखलूक से ताल्लुक रखें लोगों से अल्लाह के बंदों से जब मखलूक से ताल्लुक रखें तो उस ताल्लुक में अपने नफ्स को निकाल दें ये पहला कदम और जब ख़ालिक से ताल्लुक रखें यानी अल्लाह से ताल्लुक़ रखें तो उस ताल्लुक में ख़ालिक को निकाल दें मखलूक को निकाल दें ये दो कदम उठ जाएं, तो आप अल्लाह तक पहुँचे ये खुलासा है तस्फ़ का या सूफिया और आफा और आफ़ा औरलिया की तालीमात का हर इंसान दो तरह का ताल्लुक रखता है एक ताल्लुक अपने खाले को मालिक से रखता है अल्लाह से और उस ताल्लुक में कुछ आमाल अंजाम देता है काम करता है इबादत कहा जाता है दूसरा ताल्लुक वो रखता है अल्लाह की मखलूक के साथ हाँ माँ बाप से रखें ताल्लुक़ अज़ा अकारब से रखें बहन भाइयों से रखें दोस्तों से रखें अपनों से रखें परायों से रखें मगर कोलीग्स के साथ रखें तो दूसरा ताल्लुक मखलूक के साथ तस्व क्या है तस्वफ़ ये है कि ताल्लुक़ अल्लाह से हो उसको भी साफ करना मैल कुचैल से और ताल्लुक़ मखलूक से हो तो उसे भी मैल कुचैल से साफ करना और उसका तरीका हजूर सदना गौसम रज़ी अल्लाह तुने फरमाया ये जो दो जुमले मैंने बताए ये से इतना हजू सदना गौसम रजी तुने फ़तोहलैब में इर्शाद फरमाए ये उनका पैगाम है और हर सूफ़ी हर वली और हर आरफ़ की तलीमात इसी असूल पर कायम है कि जब मखलूक से ताल्लुक़ रखें लोगों से तो वो बिला नफ्स रखें अपने नफ्स को निकाल दें और जब खालिक से ताल्लुक़ रखें तो मखलूक को निकाल दें यानी जब अल्लाह के ताल्लुक में कोई काम करें और उस काम को इबादत कहते जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है अल्लाह के हुक्म की तामील में किया जाता है अल्लाह के अवामर व नवाही की इतात में किया जाता है अल्लाह के लिए अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की खातिर जो काम किया जाता है वो इबादत बन जाता है अगर वो शरी तरीक के मुताबिक तो वो क्या बन जाता है इबादत तो जब आप अल्लाह के लिए कोई काम करें तो आपको दूर दूर तक मखलूक नजर ना आए कोई मुझे देख रहा है क्या कहेगा मेरे बारे में क्या ख्याल करेगा मखलूक दूर तक आपकी निगाह में न हो तो मखलूक को दरमियान से निकाल दें ताकि आप जब अल्लाह के लिए कुछ कर रहे हो तो आपके सामने सिर्फ अल्लाह की जात, सिर्फ अल्लाह की जात, और उसके दरमियान कोई गैर आपको दिखाई न दे वो हायल ना हो और जब मखलूक से कोई मामला हो तो उसी तरह अपने नफ्स को दरमियान से निकाल दे। अगर अल्लाह के ताल्लुक में मखलूक आपको नजर आएगी तो अल्लाह से ताल्लुक बिगड़ेगा कभी समरेगा नहीं और मखलूक के ताल्लुक में अगर आप नफ्स को देखेंगे मैं नफ्स इसको देखेंगे तो मखलूक से ताल्लुक बिगड़ेगा कभी संवरेगा नहीं तस्वफ है तमाम ताल्लुकात को संवारने का नाम जिससे भी ताल्लुक हो उसको संवारना और हर ताल्लुक को बिगाड़ से निकालना इसका नाम तसवुफ है हमारा फोकस इस चीज से निकल गया अगली चीज समझाता हूं ये जो पहला कदम है कि मखलूक से ताल्लुक रखते हुए अपने नफ्स को दरमियान से निकाल देना अगर यह कदम उठाएं तो इसको तसवफ में फतुवत कहते हैं। मखलूक से ताल्लुक के बाब में अपने नफ्स को निकाल दें तो यह ताल्लुक क्या बन जाता है फतवत बन जाती और दूसरे कदम में अल्लाह से ताल्लुक कायम करते हुए मखलूक को दरमियान से निकाल दें तो यह ताल्लुक उबूदीयत बन जाता है बंदगी खालिस हो जाती अब आप देखिए सारी उलझने जो आपस के तल्ल की इंसानों में रहती हैं उन सारी उलझनों की बुनियाद क्या है मुझे वो अच्छा नहीं लगता उसने मुझे बुरा भला कहा है। उसने मेरी तइज नहीं की उसने मेरे साथ तमन नहीं किया उसने मेरी इज्जत नहीं की उसने मेरा हक अदा नहीं किया मैंने उसके साथ बहुत अच्छाई की मगर उसने भलाई का जवाब भलाई से नहीं दिया यह अच्छा नहीं है उसने यह बुराई की है अब आप खुद सोचें जितने झगड़े आपकी जिंदगी में हैं उन झगड़ों को एक एक जुमले की शक्ल दें तो हर एक जुमले में मैं या मेरा है या नहीं बोलिए हर एक खराबी की जड़ मैं मैं चाहता हूं ऐसा हो उसने रुकावट डाली मैंने उसके साथ इतनी अच्छाई की उसने परवाह नहीं की वगैरह वगैरह तो हमारे जितनी उलझने उन सब में जो लोगों के साथ में आती है उन सब उलझनों की असल में है नफ्सूफिया क्या कहते हैं अगर इस नफ्स को निकाल दें दरमियान से क्या इस नफ्स को निकाल दें मखलूक के और आपके तल्लु में नफ्स ना रहे तो कोई शिकवा रहेगा आपको बोलिए कोई शिकायत होगी कोई बुराई होगी कोई झगड़ा होगा हम पूरी जिंदगी जब मखलूक से ताल्लुक रखते हैं तो नफ्स में फंसे रहते हैं हम अपने नफ्स से बाहर निकल ही नहीं सकते अब नफ्स अगर आप समझें क्या है आपकी सोच है ये भी नफ्स है आपकी ख्वाहिश है ये भी नफ्स है आपकी चाहत है ये भी नफ्स है आपको अच्छा लगा ये भी नफ्स है आपको बुरा लगा ये भी नफ्स है आपने रंज मलाल दुख महसूस किया ये भी नफ्स है यानी किसी के अमल से आप खुश हुए ये भी नफ्स है नाराज हुए ये भी नफ्स है ये इंपैक्ट है इंफ्लुएंस होता है दूसरे का सूफिया मखलूक के ताल्लुक में अपने नफ्स को निकाल देते हैं इसलिए सूफिया किसी से रंजीदा नहीं होते किसी का शर उन्हें अपसेट नहीं करता किसी का बुरा अखलाक उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता उन्हें फ्रस्टेट नहीं करता क्योंकि फ्रस्टेट किसने होना है वो नफ्स ने होना है तो जिसने फ्रस्टेट होना था आपको फ्रस्ट्रेट करना था आपको अपसेट करना था आपको गुस्सा दिलाना था आपको नफ़रत दिलानी थी आपको परेशान करना था उस नफ्स को ही निकाल दिया दरमियान से इसलिए सूफी पुरसकूँ रहता है इसी तरह सूफी अल्लाह वाला जब अल्लाह से ताल्लुक़ रखता है अल्लाह से कोई काम ऐसा करता है जो अल्लाह के ताल्लुक में किया जाने वाला है। नमाज पढ़ता है रोज़ा रखता है हज करता है ज़क़ात देता है तस्बी करता है ज़िक्र अजगार करता है ख़िताब करता है तबलीग करता है लोगों को दावत इरशाद का काम करता है मजलिस करता है लंगर देता है खाना खिला कोई नेक काम जो अल्लाह की रजा के लिए जब करता है तो दरमियान से मखलूक को निकाल देते है। आपने अल्लाह की रजा के लिए खाना बनाया लंगर बनाया खिलाया किसी एक शख्स ने कहा यह क्या खाना है खाना ये अच्छा नहीं उसने भी मुंह बिगाड़ लिया आपने भी बिगाड़ लिया खाना बेकार आपको अच्छी नहीं लगी ना बात तो मखलूक रहे तो हजार चीजें अच्छी नहीं लगती इबादत की तो कोई मुझे देखेगा इबादत करते हुए नेक समझेगा तस्बीह की तो कोई मुझे बड़ा अल्ला अल्लाह अल्लाह करने वाला समझेगा छुपे हुए घर में हालात ओल रखे बाहर हर वक्त तस्बी और अल्लाह का विरद और जिक्र ऐसे लगा जैसे बिल्कुल इंसानी सूरत में फरिश्ता है ये क्यों करता है इंसान क्योंकि मखलूक देख रही है क्यों करता है इंसान मखलूक देखी। जहाँ उसे पता चलता है कि मखलूक नहीं देख रही वहीं उसका रवैया तौर तरीका अमल बदल जाता है तो गोया मखलूक उसके अमल को मुतिन करती है लोग देख रहे हैं तो नर्म लहजे में बात करता है बड़ी शाइस्तगी से बात करता है बड़ी पोलाइटली बात करता है लोग समझे बड़ा बाखलाक आदमी और जब कोई और नहीं देख रहा अकेला मुलाजिम से बात कर रहा है खादिम से कमज़ोर से किसी और से जिसने ज़्यादती की तो गाली गलोच से बात करता है खसबनाक के बात करता है आँखें सुरख हो जाती हैं उसका चेहरा ही बदल जाता है मखलूक सामने हो तो उसका अमल और हो जाता है मखलूक न हो तो अमल और हो जाता है इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह दिखाई नहीं दे रहा मखलूक मखलूक के सामने वो मखलूक में गिरा हुआ है तो अल्लाह को कब पाएगा अगर मखलूक दरमियान से अल्लाह के तल्लक़ में निकल जाए तो बंदे को अबूदीयत नसीब होती ये दो कदम चलाना ये सूफिया का काम है अब इसकी वजह क्या है वजह ये है हमारा पूरा शेवा जिंदगी पूरी जिंदगी का तरीका उसमें रूह की बजाय जिस्म पर फोकस है अब एक स्टेप आगे चलते हैं हमारा फोकस जिस्म पर है जिस्म की ज़रूरत पर है सर में दर्द हो गई हमें तकलीफ है दांतों में दर्द हो गई तकलीफ़ है पेट में दर्द हो गई तकलीफ़ है जिस्म में बुखार हो गया तकलीफ है पेट ख़राब हो गया तकलीफ है खांसी हो गई तकलीफ़ है इन्फेक्शन हो गई तकलीफ़ है पाँव पे चोट आ गई तकलीफ है ये सारी तकलीफें जिस्म की महसूस होती हैं मगर किसी ने रूह का चीखना भी आज तक सुना कभी सुना के रूह भी रो रही है रूह को दर्द हो रही है जब आप किसी से जुल्म और ज्यादती करते हैं तो रूह चीखती है जब किसी की हक तलफी करते हैं तो रूह चीखती है किसी पे गैज व गजब करते हैं तो रूह रोती है चीखती है ख्यात बदती करते हैं तो रूह चीखती है झूठ बोलते हैं गिबत करते हैं चुगली करते हैं तो रूह चीखती है एक दूसरे से नफरत और इकारत करते हैं तो रूह चीखती है एक दूसरे की पुष्ट पीछे उसका ठट्ठा मजाक करते हैं तो रूह चीखती है तसव्वुफ और सूफिया आपके फोकस को चेंज करना चाहते हैं वो जिस्म से फोकस हटाकर कर रूह पर कायम करना चाहते हैं इसी वजह से हमारे अमाल और अफआल जो काम हम करते हैं उनमें हमारा फोकस हकीकत पर नहीं होता रस्म पर होता है। क्या रस्म पर होता हम हकीकत पसंद रहे ही नहीं तो क्या हो गए रस्म परस्त हो गए जो लोग पूरी जिंदगी दीन का काम हो या दुनिया का काम हो तहजीब सकाफत का काम हो रूहानियत का काम हो जो भी काम जिनका फोकस उम्र पर रस्म और रिवाज पर रहता है रसूम पर रहता है वो लूज करते हैं रस्म पर फोकस करने वालों की कोई असल कोई फाउंडेशन कोई मजबूत बुनियाद नहीं होती वो लूज करते हैं जो हकीकत पे फोकस करते हैं वह सक्सेसफुल होते हैं वो कायम रहते हैं अब रूह पे फोकस करने और जिस्म पे फोकस करने दो चीजों में फर्क है और फर्क ये है कि हम चूंकि जिस्म पे फोकस जाहिर पे फोकस करते हैं इस वजह से हमारी इबादत भी आदत बन गई है बोलिए इबादत भी आदत बन गई है और अल्लाह वाले जो कि रूह पर फोकस करते हैं सो उनकी आदत भी इबादत बन जाती है बरक्स हो गई हमारी इबादत आदत हो गई है अब ये कैसे मैं आपको समझाता हूँ हम मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने जमात में खड़े होते हैं नमाज की रकतें पढ़ते हैं हम नमाज जब पढ़ते हैं तो नमाज अल्लाह की बारगाह में हुजूरी का वक्त है। नमाज अल्लाह की बारगाह में हाजिरी है हुजूरी है हम उसके बारगाह में हुजूरी के वक्त हम गायब होते हैं वाई स्टैंडिंग इन इज प्रेजेंस वी आर ऑलवेज एब्सेंट पीपल सी अ स्टैंडिंग इन हिज प्रेजेंस बट वी आर ऑलवेज एब्सेंट तो हम हुजूरी के वक्त में गायब होते हैं क्यों? कि नमाज आदत बन गई है आए तेज़ी से वजू किया हाथ बांधे खड़े हो गए हमें तो ख़बर ही नहीं क्या कह रहे हैं और जो कह रहे हैं उनके मानी क्या हैं उनके मारिफ क्या हैं वो कलाम क्या है किसके सामने खड़े हैं किस से मुखातिब हैं कौन सुन रहा है किसके आगे सजदा रेज़ हैं किसकी तस्बीह कर रहे हैं क्या कह रहे हैं क्या जवाब आ रहा इन सब चीज़ों से ना ताल्लुक है कट ऑफ है अल्फाज हैं रटे हुए वो बोले जा रहे हैं तिलावत करते हैं अलफाज पढ़े जा रहे हैं तस्बी करते हैं तेजी से कहते हैं, मैं दस हजार यह तस्बी करता हूं रोजाना पाँच हजार बार यह तस्बी करता हूं मुझे बहुत लोग मिले जिन्होंने पचास पचास वजीफे हैं और हर वजीफा हजार हजार बार करते वो जुबान है बस हिलती जाती है हिलती जाती है तस्बी के दाने गिरते जाते हैं गिरते जाते हैं कुछ पता ही नहीं ना दिमाग को ना दिल को क्या पढ़ रहा हूं आप समझ गए ना बात यानी हमने अपना लफ्जों से ताल्लुक बना लिया है माना से कट गए रस्मों से ताल्लुक बना लिया है हकीकत से कट गए जो इबादत के वक्त भी गैर हाजिर रहें तो फिर गैर हाजिरी के वक्त उनके गायब होने का आलम क्या होगा ये तो पांच वक्त है ना इबादत के सिर्फ तो वो इबादत के पांच वक्तों में भी जब अल्लाह के हुजूर से गैर हाजिर रहते हैं तो जो बकाया पूरे चौबीस घंटे या बारह सोलह घंटे गुजरे जो इबादत के नहीं अपेरेंटली और वो इबादत के औकात से दूर हैं गैर हाजिर उस वक्त उनकी गैर हाजिरी और एबसेंस का आलम क्या होगा हम हुजूरी के वक्त भी गायब हैं तो दूरी के औकात में हमारा आलम क्या होगा तो समझा हम हुजूरी के वक्त भी गायब हैं तो दूरी के औकात में आलम ये हमारी पूरी जिंदगी है तव्वुफ असल हुजूरी को कायम करना चाहता है और दूरी को ख़त्म करना चाहता है और आप गायब हैं ये एक जिंदगी है तसवुफ़ गायब को हाजिर करना चाहता है और हुजूरी को इतना पुख्ता करना चाहता है तसव्फ़ और सूफिया और ओलिया और उराफा वो हुजूरी को आपके मन में आपके दिलो दिमाग में आपकी रूह में आपके अंदर हुजूरी को इतना पुख्ता करना चाहता है कि दूरी भी हुजूरी में बदल जाए दूरी भी हुजूरी में बदल जाए जो कुरान मजीद ने फरमायाउ बिल्लाम शहीद मजीद रिजालन ला तुल ही हिम तजारत उन वाला बई उन अन्ला जो मर्दान हक हैं मर्द हैं अल्लाह के बंदे, वो तजारत करते हैं ये दूरी के काम हैं कारोबार करते, है, करते, है, है, करते हैं ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं ऑफिस में जाते हैं बिजनेस करते हैं भई उन बिज़नेस करते हैं तजारत कारोबार करते हैं दुनियावी काम करते हैं ये सब दूरी के काम हैं फरमाया तुल्ही ही इम जारत वाला बई उन अल्लाह के बंदे वो हैं कि उनकी जिंदगी में दूरी रहती ही नहीं है हर दूरी हजूरी बन जाती हर दूरी बन जाती जब हर दूरी हजूरी बन जाती है तो अहलुल्ला की जिंदगी यह है कि हमारी इबादत भी आदत में ढल जाती है और उससे कोई नफा नहीं मिलता रस्म पूरी होती है फर्ज अदा होता है मगर उससे नूर नहीं मिलता और जब कोई बंदा ये कदम दो उठा ले और अल्लाह वाला बन जाए तो उसकी आदत भी इबादत में बदल जाती है उसका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना लोगों से मिलना कारोबार तिजारत, पढ़ना पढ़ाना ये सारे काम उसकी नीयत की खालसत के लिए और हर फ़ेल के पीछे लाहीत के बायस उसकी हर आदत इबादत में बदल जाती वो जो काम करता है जो तो कि अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं होता वो इबादत हो जाता। ये बुनियादी चीज़ है जो मैंने आपको तसवु के माना और मफहूम के हवाले से और सूफिया कराम और अलियाए एजाम की तालीमत के हवाले से मुल़ हसन खुलासा करके समझाया हमारा इस पर फोकस नहीं है हमने ज़िंदगी की सारी इबादत को रस्मों में बना लिया है रूहानियात को रस्मों में बना लिया है उसकी औकात फिक्स्ड हैं महीनों के दिन फिक्स्ड हैं टाइम फिक्स्ड हैं रस्में फिक्स्ड हैं हम उसमें आ जाते हैं हमें उसकी मकसदियत कभी नहीं पता ये क्यों कर रहे हैं उससे हासिल क्या करना चाहिए उस गरज वायल से भी ताल्लुक नहीं बिल्कुल माइंडलेस हो गए हम अब इसका नुकसान ये हुआ कि पहले तो ज़माना ऐसा था जिसमें माहौल में मुशरे में रहन सहन में मादियत तो थी मगर मजमू तौर पर रूहानियतलब रहती थी जो ज़माने पहले गुजरे जो हमने अपने बचपन में देखे आप में से रसीदा लोगों ने जो बचपन में देखे फिर उनसे पहली नस्लों ने देखे फिर उनसे पहली नस्लों ने देखे उनमें मजमुई तौर पर माहौल में रूहानीतालिब रहती थी अदब आदाब गिब रहते थे हया गालिब रहता था तज़ीम तकरीम गिब रहती थी फिजा में हवा में भी खैर होती थी गलियों में चलते फिरते खेलते भी हया होता था बहुत दूर का जमाना नहीं है ये मैंने ये बात कई बार कही कि हमारे अपने बचपन और नौजवानी के दौर में हर मोहल्ले हर गली में हर दूसरे घर में एक या दो तहजद गुजार होते थे हर दूसरे घर में या हर एक घर में कोई एक बूढ़ा या बूढ़ी खातून तहजद पढ़ने वाली तो हर घर में पिछली रात मुसल्ला बिछता था हर घर में पिछली रात अल्लाह अल्लाह होता था हर घर में पिछली रात सजदा रेजी होती थी अल्लाह के हजू लोग रोते भी थे गिरी भी करते थे बच्चे भी उन्हें देखते थे ये माहौल बाहर गली कूचों में भी थोड़ा ज़्यादा मिलता था हलकत और मजालस में मिलता था तो मजमू तौर पर रूहानियत का गलबा था अकायद की हिफाजत होती थी फिर सोशल मीडिया नहीं था उलमा हैं स्कॉलर्स हैं तो उन्हें इज्तम में बैठ कर बात करनी है बेअसल बातें करने वाले उस वक्त भी थे और अब तो बहुत हैं बेअसल बेहकीकत बेदलील गलत बातें करने वाले तो हर दौर में होते हैं मगर इतनी कसरत से नहीं जिसने भी की तो चंद लोग जो सामने बैठे हैं उन्हीं तक पहुंचती थी और बेअसल बात या गलत बात का नुकसान बहुत वसी तर हद तक नहीं जाता था अब सोशल मीडिया का जमाना है किसी को इज्तवा में खिताब करने की जरूरत नहीं किसी को अपनी डिग्री दीन के इल्म की अपनी शहादा अपनी डिग्रीज अपनी एबिलिटी कहाँ कुछ पढ़ा हुआ है किस उस्ताद से पढ़ा है कितने साल दिन को पढ़ने में लगाए हैं कितनी अरबी पढ़ी है नाप पढ़ी है कवायद ववालत पढ़े हैं कितनी कुतुब पढ़ी हैं कितने से लिया है कितनी समझ पैदा हो गई है उसमें सही और गलत की तमीज़ की किसी को कुछ पूछने बताने की ज़रूरत नहीं घर में बैठ के आप सोशल मीडिया अपना कंप्यूटर ऑन करें जो रतब याबिस जो लगवियात सही या गलत कहना चाहते हैं अपलोड करें और वायरल हो जाती है लम्हे में करोड़ों लोगों लाखों लोगों तक अब वो वक्त आ गया खैर और शर की तमीज नहीं रही और नई नस्लें बच्चे किताबों से दूर हो गए वो सब कुछ सही भी और गलत भी सोशल मीडिया से लेना चाहते बस उस सेल फोन को खोलता है तो जिस दिन खोले उसको सौ पचास तकरीरें क्लिप्स टिकटॉक सब छोटे छोटे रील मिल जाती है। अब नौजवान नस्ल को समझ ही नहीं कि क्या दुरुस्त है क्या गलत है उसको मिल जाता है और फिर जो चीज जितनी गैर संजीदा कही जाए गैर संजीदा कही जाए जितनी बेहुदा बात कर दी जाए जितनी नाशाइस्ता बात कर दी जाए उतनी वायरल ज्यादा होती है वो ज़्यादा सुनी जाती है या देखी जाती है। और इससे बढ़कर जो बात फितना परवरी की कर दी जाए और फसाद अंगेजी की कर दी जाए वो उससे ज़्यादा वायरल होती है आप बड़े लोगों को गालियाँ दे दें शर और फसाद फैला दें बहुत बड़ा झूठ बोल दें पूरी हकीकत का इनकार कर दें वो उतनी ज़्यादा लोग एंटरटेनमेंट के तौर पर भी देखते हैं खबरीत के तौर पे भी देखते हैं बच्चे और क्या नई चीज़ आई है न्यूज़ के तौर पे भी देखते हैं अलगरज हर शर और बातिल की बात आसानी से आपकी आंखों और आपके कानों तक पहुंच रही इम्तियाज मिट गया है और नौजवान नसल चूंकि अपने पास तो नॉलेज ही नहीं है उनको वो तो अच्छी चीज़ें भी वहीं से लेते हैं रिसर्च आर्टिकल भी कंप्यूटर से देखना पड़ते हैं सही चीजें भी वहीं से लेते हैं स्टडी भी वहीं से करते हैं उनका तो कनेक्शन है सोशल मीडिया के साथ इस टेक्नोलॉजी के साथ तो उसमें जितनी अला बला लगवियात और बातिलात आती चली जाए वो भी कबूल करते चले जाते हैं अब इस वजह से अकायद भी खराब हो रहे हैं तस्वुरात भी खराब हो रहे हैं नज़रियात भी खराब हो रहे हैं ऊपर आप लोगों के लिए खास बात कहना चाहता हूँ और नौजवान नस्ल बच्चों पर जुल्म ये कि पढ़ने जाते हैं तो बाहर से होके आते हैं तो उनका दिन खराब होता है जब पढ़ने जाते हैं कोर्सेज में सिलेबस में और वगैरह वगैरह वो दिन खराब होता है घर आके अपने माँ बाप के साथ टाइम गुजारते हैं तो उनका अखलाक ख़राब होता है माँ बाप ने गाली गलोज करनी है घर में बैठकर कर माँ बाप ने झूठ बोलना है बच्चों ने 24 घंटे माँ बाप के मुंह से हिबत चुगली सुननी है फलाँ पर तनकीद फ़लाँ की बुराई फलाँ का नक्श 24 घंटे कले में हराम सुनना है तो बाहर दीन ख़राब होता है घर में अखलाक़ ख़राब होता है और सोशल मीडिया उठाएं तो तबाही होती लिहाजा मैंने चाहा कि ये मैं कुछ एस्पेक्ट जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं उन्हें वजाहत से कहूँ अब ये चीज़ जो आम हुई है आप सुनते देखते होंगे कि बदकिस्मती है क्योंकि मानने वाले लोगों ने नकल को इख्तियार कर लिया है असल को छोड़ दिया है मेरा इशारा आप हजरात की तरफ है अपनी तरफ है हमारे जो मानने वाले हैं जो ओलिया और सूफिया का अक़ीदा रखते हैं उनको मानते हैं उनसे अक़ीदत रखते हैं उनके अयााम मनाते हैं हमने अपनी ज़िंदगी में नकली चीज़ें अपना ली हैं नकल फेक फेक चीज़ें तो नतीजा ये होता है कि मुखालिफ जो इनकार करता है एतराज़ करता है वो पे दर पे हमले करता है नकल पर नकली चीज़ पर और इतने हमले करता है कि नौजवान नस्लों और लोगों का नकली चीज़ पर तनकीद और एतराज सुन सुन कर असल से भी एहत उठ जाता है यानी जो लोग अलिया के नुमाइंदा बन गए सूफिया ओलिया का लिबास पहन लिया है गदियों पर बैठते हैं पीरी मुरीदी करते हैं मशाकीजत का तरीक़ा अपनाया हुआ है और लोग उनको मशाइ समझते हैं जब लोग बच्चे करीब होकर उनके अमाल अहवाल को देखते हैं निगाह उनकी दुनिया पर है निगाह मुरीद बनाने पर है माल बटोरने पर है अमल में नक्स है अख्लाक है नहीं, इल्म नहीं है तो जब उनके अमल को और उनके हालात को देखते हैं वो देखते 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 तो कई लोग समझते हैं कि जैसे ये मशाइ हैं जिस तरह के तो पहले जिनके नाम सुने हुए वो भी इसी तरह के मशाइ होते होंगे नकल को देख देख कर असल का एतबार बोलिए उठ जाता है लोग ये कर रहे और कराम बड़े बड़े अजीम हस्तियों को गाली गलोच भी दे रहे हैं नाम लेकर अकाबिर औरलिया को तनकीद भी कर रहे हैं ऐतराज़ भी कर रहे हैं वो तनकीद और एतराज़ का सबब बहुत ज़्यादा हम लोग ख़ुद बने हमारी जहालत हमने दीन को तरीक़त को रूहानियत को तसवु को औलिया सफिया के सलासिल को अपना धंधा बना लिया है कारोबार और तिजारत बना लिया है हमने चूँकि माल कमाने का ज़रिया बना लिया है हमारे अंदर हया ख़त्म हो गई है हमें यह एहसास नहीं रहा कि हमारे तर्ज अमल से उन हस्तियों के तकदस को कितना नुकसान पहुँचेगा लिहाजा लोग जब हमें देखते हैं कि हम नुमाइंदा हैं ओलिया के सूफिया के मशाइ के हमें देख कर असल से एतिकाद उठ जाता है ये इसी तरह है जैसे कोई मुसलमानों का हाल देखे और इस्लाम पर एहतिक उठ जाए तो मुसलमान और इस्लाम में फ़र्क है कोई उम्मत मुसलिम के जो हालात हैं और मुसलमानों के जो अखलाकी हालात और अमल के हालात और इल्म के हालात इंसानी हालात अगर मुसलमानों के हालात देखे तो उससे तयन करना हो कि इस्लाम को मानो ना या मानो एक शख्स में इस्लाम कबूल किया था इस्लाम को पढ़ कर चंद सालों के बाद उसने इस्लाम छोड़ दिया उससे पूछा गया कि तुम मुसलमान हो गए तो इस्लाम क्यों छोड़ा उसने कहा मैंने इस्लाम को पढ़ कर कबूल किया था और मुसलमानों को देख कर पलट के वापस जा रहा हूँ वो पिछला मजहब ही ठीक था लेकिन इस्लाम को पढ़ कर मुसलमान हुआ था और मुसलमानों को देख कर बोलिए फिर गैर मुस्लिम हो रहा हूँ ये सूरत हाल रूहानीत में तरीकत में और मशाइयत में हो गई खतीब तकरीर करने जाते हैं चूंकि उन्होंने पैसा लेना है तो घड़ घड़ के करामते सुनाते हैं जिनका किसी किताब में ना कोई वजूद ना असल और इतनी बेअसल बातें करते हैं मजह का खेज जो न अकल को कबूल है ना नकल को कबूल है न किसी ने उनको रिवायत किया न किसी आलम के हाँ वो मकबूल ऐसी बातें करते हैं मैं कभी कभी खुद सुनता हूं मैं अब उनका जिक्र नहीं कर सकता बड़ी मजह का जब इस किस्म की मन घड़त झूठी बेबुनियाद बेअसल करामते बना के आप सुनाएंगे और हुजूर गौसे पाक की तरह मनसूब करेंगे ख्वाजा गरीब नवाज की तरह मनसूब करेंगे और दीगर ओलिया किबार की तरह मनसूब करेंगे तो उन्हें सुन सुन कर लोगों का असल करामत से भी ऐतक़ाद उठ जाएगा वो समझेगा यह सब झूठ है ये हो रहा है इस और तनकीद करने वाले एतराज़ करने वाले को ये बुनियाद बनती है। वो मजाक उड़ाता है उन बातों का और इतना मजाक तसलसल से उड़ाया जाता है इंसान कबूल करता है कि यह बेकली की चीज़ें इस हद तक किया जाता है को रफ़्ता रफ्ता इंसान का एतकद असल हकीकत से भी उठ के ख़त्म हो जाता है तो ये बात सबसे पहले तो यह समझाना चाहता हूँ उन लोगों की इसलाह के लिए गलत चीज़ गलत है मगर गलत को रद्द करने का मतलब यह नहीं कि सही भी रद्द हो जाए नकली चीज गलत है उसको रद्द करने का मतलब यह नहीं कि असल भी रद्द कर दी जाए ओलिया का नाम उनकी करामात असलन कुरान मजीद से साबित है और अलिया की करामात का मुतलकन इनकार करना यह मेरा मैसेज है मुतलकन इनकार कर देना कि करामत कोई होती ही नहीं है यह झूठ है यह लोगों की मन घड़त चीज है यह कुफर है यह अकीदा कुफर है करामत का मुतलकन इनकार कर देना बोलिए यह क्या है यह कुफ्र है आप पूछेंगे कैसे इसलिए कि ओलिया कराम की करामत का जिक्र कुरान मजीद की नसूस में है तो मुतलकन ओलिया की करामात का इनकार कर देना मुतलकन कुलियतन तो कुरान मजीद की आयात का नसोस का इनकार है यह कुफर है हजरत सैयद मरियम रजियाल नबी नहीं थी क्या वलिया थी बोलिए वलिया थी नबी नहीं थी कुरान मजीद में सुर मरियम में जिक्र आया है वह ई के बिजिज्ला थी तुसाकितई के रोता बन जनी या खुश खजूर का तना था खुश्क जिस पर कोई फल नहीं था तो फरमाया इस खजूर की शाखों को पकड़ के खींचो तुम्हारे ऊपर तरो ताजा खजूरें गिर पड़ेंगी मरियम रजी तआला ने हजरत ईसा सलाम की विलादत के वक्त खजूर के खुश्क तने और शाखों को खींचा और तरोताजा फ्रेश खजूरें गिरने लग गई यह करामत कुरान ने बयान की है आपने सुना हुआ है ना यह करामत अल्लाह की है अल्लाह के नबी की नहीं है यह कुरान है तो असलन करामत का इनकार आप किस तरह कर सकते हैं फिर कुरानी मजीद ने फरमाया हजरत जख्रिया सलाम की जेर परवरिश थी हजरत मरियम बचपन में जब भी उनके हजरे में हजरत जक्रिया आ जाते तो बेमौसम फल पड़े होते थे वो फल जो उस मौसम में होते ही नहीं वो हजरत मरियम के हजरे में होते थे वो पूछते हजरत जक्रिया आनाम कि मरियम बेमौसम फल कहाँ से आते हैं वो फरमाती अल्लाह की तरफ से कुखला अलहरियल मेहराब व काला या मरियम अन्ना लकिहाजा कालत का वो बचपन में बेमौसम फलों का आना ये करामत है और ये नबी की बात नहीं है ये वलिया की करामत है फिर सलेमानसलाम ने जब अपने सिहाबियों से अपने दरबारियों से पूछा कि मलका बिल्कीस का तख्त जो सैकड़ों मील दूर है कौन ला सकता है तो जिन ने कहा आपने ऑफर नहीं कबूल फरमाई फिर एक वली उठे आसिफ बिन बरखिया वली ने कहा अना आती यर का बही कबल तद का तरफुक फलम काला हाजा रब्बी बात कर रहे हैं सुलेमान अल्लाह के नबी और तख्त ला कौन रहा है आसिफ बिन बरखिया वलील्ला कहा पूछा कितनी देर में ला सकते हो सैकड़ों मीलों की मसाफत से उन्होंने अर्ज किया आप आंख झपकें तख्त यहां मौजूद हो तो आंख झपकने में तख्त मौजूद हो गया और कुरान कहता है जब तख्त सामने आ गया तो उन्होंने कहा यह मेरे अल्लाह का फजल है तो यह वली की करामत है नबी का मोजा नहीं है खालजी इंदू मिनल किताब नहीं अल्लाह पाक ने जा नबी नहीं है उनकी करामतों का कुरान में जिक्र किया है तो करामतों का मतलकन इनकार कर देना या तज़ीक करना मुतलकन अल्लाह ये तो कुफर है अगर किसी ने मन गड़त वातिल बात की है बेअसल की है उसको रद्द किया जाए मगर उसके परदे में असल को रद्द ना किया जाए असाब कहाफ इनमें कोई नबी नहीं था क्या असाब कहाफ कोई नबी नहीं था सब मोमिन थे सालहीन थे उस उम्मत के ओलियात थे पुख्ता ईमान वाले साल लोग थे वो तीन सौ नौ साल तक गार में पड़े रहे और मजीद कहता है व तर शमसा इज़ा तला अनकाफ़ हिमजात जमीन व इज़ा गाराबा तकर हमजात शिमाल तीन सौ नौ साल तक वो गार में पड़े थे और सूरज अपना रास्ता बदल के त्रू होता था और बदल के गरूब होता था या अपने रास्ते पर रहता था मगर उसकी धूप बदल लेती थी धूप न सूरज के चढ़ते हुए अगले पहर गार में उनके बदनों पर पड़ती थी न पिछले पैर पड़ती थी तो धूप रुक जाती थी और अंदर वो लेटे रहे और बाहर 309 साल तक उनका कुत्ता सलामत बैठा रहा अब ये पुराने जमानों की उम्मतों के सालहीन थे उनकी करामत कुरान ने बयान की है और फिर उनका दर्जा इतना बयान किया है कि कुरान मजीद में उस मुकाम पर जब उनका अदद बयान किया बार बार उनके कुत्ते का जिक्र किया क्योंकि उनकी संगत में उनकी ख़िदमत में था सकुन सलासतन राब उहम यकुल न खमसतन सादिश हम कल्ब हम रजमम बिल गईब वह यकूलू न सबातुन वसामिन हम कल्बम लोग कुछ कहते हैं कि वह काफ़ तीन थे कुरान कहता है अगर वो तीन थे तो चौथा उनका कुत्ता था फिर फरमाया कुछ कहते हैं वो पांच थे कुरान कहता है, अगर वो पांच थे तो छठा उनका कुत्ता था फिर कुरान कहता कुछ कहते हैं वो सात थे अल्लाह फरमाते अगर सात थे तो आठवां उनका कुत्ता था कभी यह तरीकेकार कलाम का है आप कहीं जाएं और कुत्ता आपके साथ हो और आपके अदद की बात हो रही है तो कोई कुत्ते को आपके अदद में गिनता है कभी बोलिए तीन थे या पांच थे या सात थे तो आप कहेंगे तीन लोग थे या पांच थे या सात थे हर बार अदद में कुत्ता कोई शामिल करता है आप नहीं करते तो अल्लाह अपने कलाम में कैसे कर रहा है आप अपने कलाम में अपने अदद के साथ कुत्ते को शामिल नहीं करते या अल्लाह पाक हर जगह उनके अदद में अगला अदद कुत्ते का शामिल फरमाता अगर तीन थे तो चौथा उनका कुत्ता था अगर पांच थे तो छठा उनका कुत्ता था अगर सात थे तो आठवां उनका कुत्ता था क्यों ये उनकी करामत है जो उनकी मजलिस और संगत में आया कुत्ता था उसको दबाम भी दिया तीन सदियों तक जिंदा रखा अब कुत्ता खाता पीता कहाँ से था जिस तरह ये बिन खाए पिए जिंदा रहे तो बाहर कुत्ता भी बिन खाए पिए जिंदा रहा और अल्लाह ने जा बजा जिक्र साथ जोड़ दिया तो करामतें कुरान मजीद में ओलिया की जो अम्बिया नहीं थे अंबिया के तो मो होते हैं उसका तो किसी को इनकार नहीं है मोजा का तो किसी को इनकार नहीं बात तो करामत की अलिया की करामत की हो रही है तो ख़ैर नबी वली की करामतों का जिक्र कुरान मजीद में जा बजा है सो आप इसका मुतलकन इनकार नहीं कर सकते एक और फितना है आज के ज़माने में जो बड़ा गालिब आ रहा है एक फितना तो ये है जिसका मैंने कई बार जिक्र किया ये कहना कि हम सिर्फ कुरान की बात मानते हैं और किसी हजीस व सन्नत को नहीं मानते ये एक फितना है आज ये मौजू नहीं है मेरा लेकिन मैं वैसे बता दूं जो यह कहे कि मैं सिर्फ कुरान को मानता हूं और किसी हदीस और सुन्नत नबवी को हजत नहीं मानता यह भी कलेमा कुफर है क्योंकि हदीस नबवी को माने बगैर कुरान को माना भी नहीं जा सकता यह तो एक बात हो गई ये दूसरा फितना है ये इससे एक आगे स्टेप बता रहा हूं ये उससे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि उस पहले फितने का कुफर होना तो समझ में आ जाता है दूसरा फितना बड़ा घनावना है वो ये कि हम सिर्फ कुरान और हदीस की बात मानते किसी इमाम और ओलमा आइमा मुहदसिन फोका ओलिया किसी को नहीं मानते वो भी इंसान थे हम भी इंसान हैं ये बोली बोली जाती वो भी अपने वक्त में स्कॉलर थे हम भी स्कॉलर हैं हम उनकी बात क्यों माने हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते पहला कहना कि कुरान को मानते हैं किसी हदीस को नहीं मानते वो कुफ्र है ये जो दूसरा कलेमा है ये गुमराही है क्या यह गुमराही है इसलिए कि कुरान और हदीस के सिर्फ टेक्स्ट से आप उसका सारा माना और मुराद समझ ही नहीं सकते जब तक उन लोगों को पढ़ा और सुना ना जाए जो आपसे और मुझसे ज्यादा कुरान और हदीस को जानते थे उनकी बात को मानना जो हमसे ज्यादा कुरान को समझते थे और हमसे ज्यादा हदीस और सुन्नत को समझते थे उन्होंने क्या माना बयान किया है क्या मुराद बयान किया है उन्होंने इस आयत की क्या तशरी की है क्या सियाक और सबाक बयान किया उन्होंने इस हदीस के क्या मानी बयान किए हैं? इसलिए उस्ताज का होना जरूरी है आप इसको यूं समझ लें आज के दिन तक ये बताएं इस मिसाल से समझ आ जाएगी इल्म दीन पर इतना बड़ा जुल्म जो सोशल मीडिया ने फैला दिया है जिसको बोलना आ जाए वो सोशल मीडिया पे अपनी तकरीर अपनी गुफ्तु रखवियात अपलोड करके पूरी दुनिया को बहका दे बस आज के दिन तक कभी ऐसा हुआ है कि कोई ये कहे कि मैं मेडिकल कॉलेज नहीं जाता मेडिकल स्कूल नहीं जाता मेडिसिन पढ़ने के लिए नहीं जाता हाउस जॉब नहीं करता रेजिडेंसी नहीं करता मैं पांच साल सात साल सिर्फ जो मेडिकल साइंस की बुक्स हैं खुद बुक्स पढ़ के मैं डॉक्टर बन जाता हूं और मुझे लाइसेंस दे दिया जाए और मैं क्लिनिक को खोलूंगा कोई दुनिया में कोई मुल्क इजाजत देगा जब आप आज खुद पढ़ के टेक्स्ट बुक्स दस साल पढ़ लें से और इंस्टीट्यूशन से पढ़े बगैर डॉक्टर नहीं बन सकते तो आप इस से पढ़े बगैर दीन के आलिम हारफ कैसे बन सकते इंजीनियर नहीं बन सकते कोई डिग्री नहीं देता कोई शख्स कहे मैं सर्जरी की किताबें पढ़ के तो सर्जन बन जाता हूँ आप बैचलर करते हैं मास्टर्स करते हैं डिग्रीज करते हैं स्पेशलाइज करते हैं पीएचडी करते हैं कोई घर बैठ के पंद्रह साल लगा रहे और वो अपनी स्टडी करे तो कोई पीएचडी की डिग्री उसको डॉक्टर की दे देगा क्यों नहीं देगा हर चीज का एक प्रोसीजर है हर चीज के कुछ आदाब हैं कुछ शराय हैं कुछ प्रोटोकॉल्स हैं कुछ तकाजे हैं कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और सबसे पहली ये कि आपने इस बढ़ना है ये जो टेक्स्ट बुक है आपके हाथ में खुद पढ़ें तो डॉक्टर नहीं बन सकते इंस्टीट्यूशन में से पढ़ें तो डॉक्टर बन जाते मेरी बात आप समझे तो इल्मा से पढ़े बगैर कभी मुस्त नहीं होता आपको कोई डिग्री नहीं देता तो इस्लाम और इस्लाम का इल्म, इसको लोगों ने इस तरह कर लिया है कि बग़ैर से पढ़े बग़ैर सनत के बग़ैर दलील के बग़ैर कबाएद लुखत के बग़ैर दीनी और शर्म के जिस आदमी को बोलना आ जाता है इंग्लिश में उर्दू में अरबिक में जिस बोलना आ जाता है, जिस जुबान में चाहे वो कहता हम आलम वो गुमराह करने को तैयार है और नौजवान नस्ल गुमराह होने को तैयार है लिहाजा अगर ये सूरत होती कि सिर्फ टेक्स्ट कुरान मजीद का और हदीस का टेक्स्ट पढ़ के आपको कामिल सिका मोहतमद और मुस्ंद इल्म मिल जाता तो उम्मत मुहम्मदी में आइम्मा माना होते और ऐसे लोग कहते हैं सिर्फ कुरान और हदीस और हदीस में भी बुखारी को मानना है सही मुस्लिम को मानना है तो मैं ये जो नुकता है इस नुकते के लिए मैं आपको सही बुखारी से चंद चीजें बताना चाहता हूँ जो कहते हैं मैं कुरान और हदीस को मानता हूं सिर्फ और हदीस में भी सिर्फ बुखारी और मुस्लिम को और किसी आलिम को उलमा को आइम्मा को बड़ों को नहीं मानना मैं खुद बड़ा हूं यह एक फितना है जिससे गुमराही फैल रही है तो यह सही बुखारी है मेरे हाथ में ये कंसेप्ट आपको समझाता हूँ कि इल्म किस तरह आता है। अब जो कुरान और हदीस को मानता है और कहता है मैं सिर्फ हदीस को मानता हूँ कुरान के साथ और फिर सही बुखारी को अब इमाम बुखारी किताब और इल्म के अंदर आगे इल्म का एक बाप बहुत से अबाब हैं कायम करके उसमें बयान करते अनलमा हम वारा ये इमाम बुखारी इस हदीस को पोट कर रहे हैं किलमा अम्बया के वार होते हैं तो फिर अगर हर एक ने कुरान का टेक्स्ट और हदीस का टेक्स्ट पढ़ के हजत मन जाना है तो ये कौन से उलमा हैं जो अम्बिया के बारे से ये कौन सेलमा हैं जो अम्बिया के बारे से ये इमाम बुखारी बयान कर रहे हैं और है हदीस उसको उन्होंने अपने तर्ज बाब में नकल किया है फिर इमाम बुखारी यह हदीस बयान करते हैं आकलेसलम फरमाया मैं यूर दिल्ला बे खीरा यु फ हो यह सही बुखारी ने तर्जमतुल्बाप में ये अल्फाज लाए हैं कि अल्लाह पाक जिस शख्स से खैर का इरादा जिसके साथ फरमाता है उसको दीन का फहम अता कर देता है दीन की मारिफत अता कर देता है और फिर आगे बाप में हदीस के लफ्ज लाए हैं मैं यूर दिल्ला हो बेहीन युफक् वीन अल्लाह पाक जिस बंदे पर खैर करने का इरादा फरमाता है उसे दीन में तफक् अता कर देता है दीन में उसको ऑथेंटिक नॉलेज दे देता है और गहराई के साथ मार्फत दे, दे दे देता है फुकहा इमाम बुखारी ने यह कायम किया हजूराम की हदीस अगर ये कहना है कि हम सिर्फ कुरान को और हदीस को मानते हैं तो हदीस जो कह रही है उसे भी माना जाए हदीस को मानने का माना क्या है हदीस कुछ और बता रही है और हम कहे जाएं हम कुरान हदीस के सिवा कुछ और नहीं मानते न माने पर हदीस जो कह रही है उसको तो माने अब बात को समझ गए अब मैं आगे तीसरी चीज देता हूं अगर सिर्फ टेक्स्ट पढ़ के कुरान की वही और हदीस की वही पढ़ के आप आलिम बन जाते हैं और आपको कोई हाजत नहीं रहती किसी उस्ताद के पास जाने शेख के पास जाने अकाबिर उलमा के पास जाने दूसरे से इल्म सीखने की हाजत नहीं रहती खुद बरह टेक्स्ट के जरिए बन जाते हैं तो इमाम बुखारी ने एक बाब कायम किया है वैसे कुरान मजीद का वाक़ है मूसा हासिल करने के लिए खजर इस्लाम के पास चल के जाते समंदर पार करके जाते हैं तो भाई अगर हम ये कहते हैं कि हम हदीस को मानते हैं सिर्फ तो हदीस जो बता रही है उसे भी मानना चाहिए तो इमाम बुखारी ने बाप कम किया है बाब मा जो के री जहाब मूसा अल्लाम फिर बहर इलाखिर यह बाब है जिसमें जिक्र है कि मूसा आसलाम हज़रत या खदर आल्लाम दोनों तरह नाम आता है सही है तो उनके पास समंदर क्रॉस करके गए मिलने और क्यों आगे कुरान कहता है बक हलअा भी ओका अलामअनी भूसा अल्लाह के नबी हैं उन पर अल्लाह की वही आती है वो अल्लाह के बरगुजीदा रसूल हैं उन पर किताब नाजिल हुई है तोरात वो जो अल्लाह का रसूल खुद साहेब किताब है कुरान बता रहा है सूर्य अलकाफ में वो चल के हजरत इस्लाम के पास जाते हैं और कहते हैं मैं आपके साथ चलता हूं इस शर्त पे कि आप मुझे इल्म दें मुझे सिखाएं उस इल्म में से जो अल्लाह ने बतौर खास आपको अता किया मैं आपसे खास इल्म सीखने के लिए आया हूं ये कौन कह रहा है हजरत मूसा और किन से कह रहे हैं जरतम को उलमा के दो मौकफ हैं एक मौकफ है कि वो नबी नहीं हैं थे वो वली हैं कुछ उलमा का मौकफ है कि नहीं वो नबी थे हमें इस बहस से गरज नहीं है वो नबी थे या वली थे क्वेश्चन ये है कि अल्लाह का रसूल एक वली के पास चल के जा रहा है तहसील इल्म के लिए या अल्लाह का रसूल एक नबी के पास जा रहा है तहसील म के लिए हालांकि उनका रुतबा हजरत मूसा से कम है ये उलूल आजम रसूलों में से हैं सिर्फ एक प्रोटोकॉल समझाया जा रहा है कि जिसके पास ज़्यादा हो उससे खास इल्म लेने के लिए जाना चाहिए तो आप बड़ों से साहिबान सेम लेने को अगर जायज नहीं समझते तो मूसा सलाम का अमल क्या है ये कुरान ने क्या बताया तो हम खुद कुरान के इनकारी हैं हदीस का इंकारी जो रविश अल्लाह और उसके रसूल ने दिया उसके इंकारी आगे सही बुखारी से ही ले रहा हूं इमाम बुखारी ने बाप कायम किया है उनतीसवां बाब मन बारा का अला रुख बताई है इंदर इमाम अब मुहदस अब सिर्फ चैप्टर का उन्वान सुने इमाम बुखारी कहते हैं कि जब किसी इमाम के पास इल्म की अथॉरिटी के पास जाए इमाम के पास मुहदस के पास जाएं तो घुटने टेक कर उसकी खिदमत में बैठें अगर आप खुद कुरान पढ़ के सारा इल्म जानते हैं और हदीस का टेक्स पढ़ के सारा इल्म जानते हैं और सिर्फ बुखारी को मानते हैं तो इमाम बुखारी की ये बात भी माने वो कहते हैं बड़े आइम्मा के पास बड़े उलमा के पास जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास तहसील इल्म के लिए जाओ और दो जानू घुटने टेक कर बैठो इमाम बुखारी की खिदमत में गुटने टेक कर बैठने का बाब कायम करते हैं चैप्टर आप कहते हैं कि हम सिर्फ बुखारी को हैं। बुखारी को को मानते मानते हैं हैं भाई तो जो इमाम बुखारी बता रहे हैं उसको माने। आप कहते हैं हदीस को मानते हैं सिर्फ कुरान और हदीस को तो कुरान और हदीस जो बता रहा है उसको भी माने ये खाली एक जुमला है कहने का घुटने टेक कर बैठना क्यों जरूरी है मा आइमा मुहदसिन की खिदमत में अगर इल्म सिर्फ कुरान से लेना है और हदीस की किताब उठा कर लेना है तो इमाम बुखारी क्यों घुटने टिका रहे हैं आपके आपको ले जाके आइमा की खिदमत में दो जानू इमाम बुखारी क्यों बैठा रहे हैं आप इमाम बुखारी को इनकार कर दें कहें कि मुझे क्या जरूरत पड़ी मैं घुटने टेक कर बैठूं मेरे लिए सिर्फ कुरान और हदीस है आइमा को मैं क्यों मानूं और क्यों घुटने जाके कर तो हमें एक कॉल पे रहना चाहिए या इमाम बुखारी को माने या ना माने अगर मानते हैं तो जो वो बता रहे हैं उसको माने या इनकार कर दें कि नहीं मानते तो दावत तो खत्म होना या हदीस को माने या ना माने मानना है तो हदीस जो पैगाम दे रही है उसको भी माना जाए इस अमल का मकसद क्या है इमाम बुखारी खुद इस अमल और अदब की तरगीब दे रहे हैं कि जो इल्म की अथॉरिटीज़ हैं आइमा जब उनकी खिदमत में जाओ घुटने टेक कर बैठो और इल हासिल करो इमाम बुखारी ये भी कह सकते थे कि, कि आइमा के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है बस कुरान पढ़ो और हदीस का टैक्स पढ़ो तुम्हें खुद इल मिल जाएगा इमाम बुखारी ये क्यों नहीं कहते खुद सबसे बड़े इमाम हदीस के अमीरमोमिन फेल हदीस हैं वो ये क्यों नहीं कहते ख़ुद कुरान पढ़ो और ख़ुद हदीस पढ़ो काफ़ी है इम के लिए किसी इमाम किसी मुहदस और किसी बड़ी हस्ती के पास जाके घुटने टेक कर बैठने की ज़रूरत नहीं है इमाम बुखारी को तो चाहिए था ये कहते कि ज़रूरत नहीं है अगर माज़ल्ला कुरान और अजीज़ का टेक्स्ट काफ़ी होता तो गोया हम इमाम बुखारी को मानने की बात भी करते हैं और इमाम बुखारी को रद्द भी कर रहे हैं टेक्स पढ़ने से अल्फाज़ ज़रूर आप पढ़ लेते हैं मगर उसकी कामिल फहम और समझ और मारफत नहीं आती उसके लिए फ़न सीखने के लिए उस्ताद के पास जाना जैसे मैंने डॉक्टर इंजीनियर्स और तमाम डिग्रीज़ का तरीका बताया तो फ़ेहम दीन और मार्फत दीन वो आइम्मा और बड़ी हस्तियों की खिदमत में घुटने टेक कर इल्मिल करने से मिलता है अब इसी तरह मैं एक रेफरेंस और दे देता हूँ आखिरी इस नुक्ते पर इमाम बुखारी ने एक बाब कायम किया है कि बदल इल्म कैसे उठा लिया जाएगा इल्म कैसे छीन लिया जाएगा यह बाब कायम किया इमाम बुखारी ने यह बाब नंबर चौंतीस है और इससे पहले एक बाब नंबर इक्कीस है वो कहते हैं बाब इलम रफ इल अल जहल इन नशरात सात अल इम यसमतुलजहल और दूसरी रिवायत हदीस के लाई हैं यकील व यजहरल जहल क्यामत के करीब होने की अलामतों में से एक ये भी अलामत होगी कि इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत फैला दी जाएगी बोलिए इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत फैला दी जाएगी इमाम बुखारी ये बाब कायम कर चुके हैं और हदीसें बयान कर चुके हैं अब अगले बाप में बाप कायम किया है कि इल्म कैसे उठा लिया जाएगा 34 में चैप्टर 34 उसमें उसमें इस्लाम की हदीस लाए हैं हजूल इस्लाम ने फरमाया अब्दुल्ला बिन अमर बिन की रिवायत है कि इस्लाम ने फरमाया फरमायान ला यजू मिनल इबाद इस्लाम ने फरमाया कि इल्म उठा लिया जाएगा हज़ू सलाम फरमाते हैं कि इल्म अल्लाह ताला इस तरह नहीं उठा लेगा कि लोगों के सीनों से इल्म निकाल ले। एक वक्त ऐसा आएगा कि मस आप रात को सोएं सब इल्म था सुबह उठे तो आप जाहल हो गए सब कुछ भूल गया और आपके दिलो दिमाग से इल्म निकाल लिया गया स्नेच कर लिया गया आकल इस्लाम ने फरमाया इस तरह नहीं उठाया जाएगा म के उठ जाने का माना ये नहीं है कि आप अच्छे भले सोए और सुबह उठे तो बस साफ थी स्लेट इल भूल गए थे तो फरमाया इल्म सीनों से छीना नहीं जाएगा इस तरह बल्कि क्या होगा वला किन यक बेकबिल फरमाया जो बड़े उलमा होंगे जिनके पास पुख्ता इल्म और दीन की मारिफत होगी वो रफ्तार रफ्तार दुनिया से उठ जाएँगे जब असल आलिम जिसके पास दीन का तफक् दीन की मारिफत दीन का सही फहम दीन की गहरी समझ होगी जब वो लोग आहिस्ता आस्ता दुनिया से उठते जाएंगे फरमाया इस तरह फिर क्या होगा बड़े इल्म रखने वाले वसी इल्म रखने वाले गहरा इल्म रखने वाले दीन की बड़ी कामिल मारिफत रखने वाले जब आहिस्ता आहिस्ता उठते जाएंगे और वो कोई नहीं बचेगा इस पाए का बड़ा आलिम तो फिर क्या होगा हता एजालम युब के आलिमन खज़न नास और नासन जुहाला तो जब बड़े ओलमा नहीं बचेंगे तो लोग जाहिर लोगों को उठाकर इल्म की मसनत पर बैठा लेंगे उनकी तहरीरें सुनेंगे ये सही बुखारी की हदीस है ये सोशल मीडिया के दौर की तरफ आकल इसम इशारा फरमा रहे हैं जब बानतम दीन की असल मारफत और तफक को रखने वाले जब उठते जाएंगे दुनिया से रुखसत होते जाएंगे तो कोई नहीं बचेगा तो वो लोग जो असल में जाहल हैं जिनके पास असल कुरान और हदीस की मार्फत ही नहीं जाहल हैं उन जाहलों को लोग उठाकर सर पर बिठा लेंगे उनको आलिम बना देंगे उनको इल्म की मसनत पर बिठा देंगे वो तकरीरें करेंगे लोग उनसे मसले पूछेंगे अब हदीस के लफ सुनिए फसोलू फैर इलमिन चूंकि बड़े नहीं रहेंगे तो जो मसंद इल्म के अहल नहीं थे उनको मसनत पर बिठा दिया जाएगा इल्म की कुर्सी पर वो खिताब करेंगे उनसे पर मसले पूछे जाएंगे लोग उनसे पूछेंगे और वो फतवा देंगे लोग वो अपनी जजमेंट देंगे फदल्लू बदलू हालांकि उनके पास असल पुख्ता इल्म नहीं होगा स्टिल वो लोगों को अपनी जजमेंट देंगे ये हो रहा है आज के जमाने में ऐसे लगता है आज का जमाना बिल्कुल अकाल स्लाम के सामने नक्शबर दीवार था देख कर फरमा रहे थे देख कर फरमा रहे थे कि लोग जाहिलों को इल्म की मसनत पे बिठा लेंगे और जाहिलों को आलिम समझेंगे फिर उनसे सवाल करेंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे लोगों को गुमराह करेंगे और फरमाया फल्लू वदल्लू वो खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे ये आज हो रहा है क्वेश्चन ये है अगर उलमा से इल्म सीखने की जरूरत नहीं और आप उलमा को अथॉरिटी नहीं मानते अकाबिरइम मा को अब कौन से आइम् मैं उनकी तरफ इसकी अगली स्टेप पर आ रहा हूँ उलमा से मेरी मुराद हर मौलवी नहीं है मस्जिद का इमाम और आलिम और ख़तीब मैं वो बात नहीं कर रहा वो जो अथॉरिटीज़ हैं जिनको आईम इल्म कहते हैं जो हुज्जत हैं कुरान और हदीस और कुरान और सुन्नत के इल्म पर जो इल्म के समंदरों में गोताजा जाने, जो इल्म की तह तक अल्लाह ने उनको पहुंचाया है और उन्हें इल्म के समंदर पिला दिए जो यकवक कुरान पर हदीस पर फिक पर सीरत पर तारीख़ पर उसूल पर फ़्रू पर निगाह रखते हैं और कदीम इल्म पर भी महारत है और दौरे जदीद से आगा है और इल्म की तदबीक करते हैं कदीम और जदीद की अगर इन लोगों की जरूरत नहीं और हमेशा इल्म सिर्फ कुरान के टेक्स्ट और हदीस के टेक्स्ट से मिल जाना काफी है तो यह जो बात आका ने फरमाई तो क्वेश्चन यह है कि क्या उस जमाने में कुरान मौजूद नहीं होगा जब फरमाया कि इल्म उठा लिया जाएगा क्या उस जमाने में कुरान दुनिया में मौजूद नहीं होगा कुरान मौजूद होगा क्या हदीस नब मौजूद नहीं होगी बोलिए मौजूद होगी सही बुखारी सही मुस्लिम दाऊद तिर ये सब कुतुब मौजूद नहीं होगी ये कुतुब गायब नहीं हो जाएंगी कुरान भी मौजूद होगा कुतुब हदीस भी मौजूद होगी कुरान और हदीस की कुतुब के मौजूद होने के बावजूद आकर सलाम फ्रिल्म उठा लिया जाएगा कि बड़े हुजतलम उठा लिए जाएंगे इसका मतलब यह हुआ कि कुरान के टेक्स्ट के मौजूद होने से और हदीस के टेक्स्ट के मौजूद होने से इल्म सनत के साथ हासिल नहीं होता दारे 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 दारे। वरना जिस जमाने का आकल इस्लाम ने जिक्र फरमाया और अमात क्यामत की बात की कुरान भी उस जमाने में मौजूद होगा कुरान किसी जमाने में जमीन से गायब नहीं होगा इन्ना नहनजल नज़ल जिक्रा व इन्ना लहूल हाफिजून हमने इस कुरान को इस जिक्र को उतारा है और हम क़्यामत तक इसकी हिफाजत करेंगे कुरान कुरानियामत तक मौजूद रहेगा आपके हाथों में तो कुरान मौजूद है इसी तरह हदीस नबी भी क़ियामत तक मौजूद रहेगी वो भी हिफाजत जिक्र में आती बुखारी मुस्लिम हो ये कुतुब भी मौजूद रहेंगे तो उस जमाने में कुरान भी मौजूद होगा हदीस की किताबें भी मौजूद होंगी और यह सब मौजूद होने के बावजूद आकाम ने फरमाया युगबदल इल्म इल्म उठा लिया जाएगा तो गोया आकर इस्लाम ने कैटेगोरिकल ये बात समझा दी कि कुरान और हदीस के टेक्स्ट होने का नाम इल्म नहीं है कुरान भी मौजूद होगा कुतुब हदीस भी मौजूद होगी मगर फरमा इन अल्लाह ला यकबिदुल इल्म इंतजाअन यंतजेहु मिनल इबादे वलाकिन यकबिदुल इल्म बिकबदिल उलमा अथॉरिटी उलमा हैं, उनके उठ जाने से इल्म उठ जाएगा तो कुरान भी आपके पास घरों में होगा और कुतुब हदीस भी होगी मगर इल्म नहीं होगा क्योंकि जाहे लोग इल्म की मसनत पे बैठ जाएंगे उन्हें उलमा समझा जाए वो स्कॉलर कहलाएंगे जाहे लोगों को स्कॉलर समझा जाएगा उनसे पूछा जाएगा वो जवाब देंगे जजमेंट देंगे और वो ख़ुद भी गुमराह होंगे तुमको भी गुमराह करेंगे ये आक इस्लाम की हदीसें हैं जो मैंने सिर्फ सही बुखारी से दी और इस सब्जेक्ट पर सैकड़ों की तदाद में हदीस हैं जो कुतुब हदीस में मौजूद हैं मैंने चंद नमूने सिर्फ़ सही बुखारी से दिए ताकि महज सही बुखारी का नाम लेने वाले अहबाब को सही बुखारी की ज़ुबान से बात की समझ आ जाए तो अरब लोग सारे टेक्स पढ़ते हैं उनकी ज़ुबान अरबी है अगर अरबी ज़ुबान रखने वाला शख्स कुरान को पढ़ता है समझता है तो फिर कोई तफसीर ही लिखने की ज़रूरत नहीं थी उम्मत मुसलमा की तारीख में तफसरें सब अरबी में लिखी गई तो क्यों लिखी गई अरब लोग कहते भाई हमारी अपनी ज़ुबान है हम कुरान को पढ़ के समझ सकते हैं आप तीस तीस चालीस चालीस जल्दों की तफ्र क्यों लिख रहे हैं आप मेरी बात को समझें ये सैकड़ों तफासिर जो इतनी लिखी गई अरब लोग कहते हैं भाई हमारी अपनी जुबान अरबी है हमें क्या जरूरत है तफसीर की पूरी उम्मत के तेरह सौ साल पहले जो गुजरे उनमें तफासिर लिखी गई अरबी में अगर सिर्फ सही बुखारी को पढ़कर कामिल इल्म हो जाता तो इमाम बिबिन ज पूरी उम्र फतुल बारी बुखारी की शरा क्यों लिखते रहे अरबों के लिए अरब कहते हैं भाई हमें क्या जरूरत है हम बुखारी पढ़ सकते हैं अच्छा आप कह सकते हैं कोई कह सकता है कि नहीं उन्होंने गैर अरबों के लिए लिखी कि जिन्हें अरबी नहीं आती वो पढ़ सकें तो गैर अरबों के लिए लिखी थी तो अरबी में क्यों लिखा गैर <laughs> अरब को कुरान पढ़ना नहीं आता बुखारी पढ़नी नहीं आती तो इबन ज रस्कलानी की शरह कहां से पढ़नी आएगी आप मेरी बात को समझें इमाम कुस्तलानी ने शरा लिखी अरबों के लिए लिखी अरबी जुबान में तो इसका मतलब है जुबान आने से इलम नहीं आता जुबान के आने से इल्म नहीं आता इल्म का एक अलग वजूद है उसके अपने कवायद हैं जवाब हैं प्रोटोकॉल हैं कंडीशन हैं रिक्वायरमेंट्स हैं है, है। तब इल्म आता है यह जुबान से गरज नहीं है ठीक है जिसकी जुबान अरबी है उसके लिए आसान हो जाता है कवायद को समझना और जिसकी जुबान अरबी नहीं है उसके लिए मुश्किल होता है कि पहले कवायद पढ़ता समझता है फिर आगे चलता है मगर बुखारी की शुरू लिखी गई सही मुस्लिम की अबू दाऊद की सोनों ने तिरमजी की नसाई की अपने माजा की ये सारी चौदह सौ साल तक उम्मत हदीस की कुतुब की शुरू पढ़ती रही है और आज इस ज़माने में जिसको खुद अरबी पढ़नी नहीं आती अरबी पढ़नी नहीं आती वो कहता है कुरान पढ़ें और बुहारी पढ़ें बस और किसी किताब की जरूरत नहीं है कितनी जहालत है कितनी गुमराही है कितनी नादानी है यानी जिन आइमा की आप बात कर रहे हैं वो खुद अपनी कुतुब में लिख रहे हैं कि उलमा से पढ़ो अकाबिर से पढ़ो अथॉरिटी से पढ़ो तो इसका मतलब यह है कि सही इल्म का सही तस्वुर को समझना सही कॉन्सेप्ट को समझना सही शराह को समझना दीन के किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना वो सिर्फ टेक्स्ट पढ़ने से नहीं आता आपके हर मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन होता है स्कूल्स ऑफ लॉ में लॉ स्कूल्स में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है आपके अपने लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन पे कमेंट्रीज होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे कमेंट्रीज होती हैं और वो अदालतों में सुप्रीम कोर्ट्स में हाई कोर्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन की इबारतों पर बहस होती है कोई ये माना निकालता है कोई ये माना निकालता है उस पर जजमेंट्स होती हैं उस पर प्रेसिडेंट्स होते हैं तो अलग इतनी डिस्कशन इसलिए होती है कि सिर्फ टेक्स्ट से हर बात मालूम नहीं होती उसके ऊपर दुनिया की हर किताब पर कॉमेंट्रीज होती है और एक सब्जेक्ट पर एक टेक्स्ट बुक होती है मेडिकल कॉलेज में इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी में सोशयालोजी में हिस्ट्री में कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में फिजिक्स में बायोलॉजी में एक टेक्सट बुक होती है उस सब्जेक्ट पर दर्जनों सैकड़ों किताबें और होती हैं जो मजीद वजाहत करती हैं और तफसल करती हैं इल बढ़ता चला जाता है तब जाकर पूरे कंसेप्ट का आप अहता करते हैं और डेप्थ में जाते हैं खाली टेक्स्ट बुक कभी आपको फुल नॉलेज नहीं देती ये तरीका किताब किताबोसन्नत का है इसी वजह से आइमा ने कुरान मजीद की तस्वीरें लिखीं और इसी वजह से आइमा ने हदीस की हर किताब की शरह लिखी ताकि उम्मत को मफहूम कन्वे हो जब यह चीज़ मैंने उसूली तौर पर समझा दी कि इल्म की सेहत और इल्म का एतबार सिर्फ टेक्स पढ़ने और वो भी उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ लेने या इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ पढ़कर लोगों को बयान करने से गुमराही ज़्यादा फैलती है हाँ कोई आसान चीज़ है दावत की सोशल इशू की मॉरल इशू की आसान दावत की चीज़ है वो हर शख्स पढ़ के समझ लेता है जहाँ अकीदा आएगा डेप्थ आएगी गहराई आएगी कंप्लीकेशन आएगी वो फिर संद उसके लिए चाहिए वो फिर महक्क आइमा के जरिए जो उन्होंने शरा की एक्सप्लेन किया उसको एक्सेप्ट किया जाएगा वो खाली टेक्स्ट के साथ लोगों को बताने से लोग गुमराह हो सकते हैं अब मैंने यहां तक ये यह बात वाजे की कि आइमा हदीस के फिक के बड़े बड़े अकाबर आइमा उनकी कही हुई बात को सनद समझना यह दरअसल कुरान और हदीस के सही फहम तक पहुंचने का तरीका है वो कुरान को बदल कर नया कुरान कोई नहीं लाता और हदीस के बदले में कोई किताब नहीं लाता वो कुरान ही को समझाते हैं कुरान के हकाम की शरह करते हैं हदीस के अल्फाज की शरह करते हैं मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और सही और गलत में इम्तियाज़ और तमीज़ पैदा होती चूँकि रविश हो गई है हर चीज़ का इनकार कर देना ऐतराज़ कर देना तनकीद कर देनी और बेहुदा तरीके से लगभ तरीके से जिसमें न हया ना अदब ना पासदारी ना कोई हदूद न कवायद ना, ना जवाब तो ये चीज फितना है दीन में फितना है ये मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया आपको अब समझाना चाहता हूँ कि हजूर सदना गौसम शेख अब्दुल्किर जीलानी रजियन उनके मुकाम व मरतबा की बात करते हैं तो ये तसवुर दो जुमले में ऐसे कह देना कि ये सूफ़ियों की मन घड़त बातें बस ये इनकी कोई हकीकत नहीं करामात की कोई हकीकत नहीं उनका कोई मुकाम और मरतबा नहीं वो एक सूफ़ी थे बस अल्लाह खैर ये पाकिस्तान और इंडिया के लोगों ने मन घड़त बातें कर रखी अब ये बात ऐसी है बच्चे कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं वो समझते हैं कि फ़लाँ मौलवी साहब ने या फला स्कॉलर साहब ने यह बात की है तो इसी तरह होगी चूँकि इधर केस असल जो केस है तसव्फ और का उनके जो वकील हैं वो निहायत कमज़ोर हैं वो माल बटोरने में लगे हुए हैं उधर हजूर गौसम को गाली दी जा रही है और हजूर गौसम के नाम पर कमाई करने वाले उन्हें फिक्री को नहीं वो माल बटोरने पर लगे हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोीनुद्दीन चश्ती अजमेरी होंजर खुतब्दीन बुख्तियार काकी हों ये हज़रत तो ख़्वाजा निज़ामुद्दीन अलिया हों ये तो हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर हों या इमाम अबूल हसन शाज़ली हों या शेख शहाबुुद्दीन सोहरवर्दी हों या हज़रत तो जुनैद बगदादी हों सरी साती हों जितनेलिया हज़रत तो बाज़ीद मुस्मी हों अरे जिनके नाम पर अकीदत के नाम पर आप लोग खाते हैं उनको गालियाँ दी जा रही हैं लोगों का तल्लु उनसे काटा जा रहा है उनका तसवर बश किया जा रहा है और आपको सरोकार किसी चीज़ से नहीं सरोकार सिर्फ अपनी रसूम पूरी करने और अपना माल बटोरने से है बस कारोबार और धंधा करने से है जिसके नतीजे में नौजवान नस्ल बैक किसी चली जा रही है मैंने ये जो बुनियाद रखी कि दीन के असल तस्वुरा को समझने के लिए आईमा दीन से ताबीर और उसकी तशरी और माना और मुराद उनसे लेना चाहिए हजूर सदना गौसम रजी अल्लाकामतबा क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ने या पीरों ने या यह मंदों ने घड़ा है या आइम्मा हदीस अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ क्या आइम्मा जो उम्मत मुसलिमा की तारीख में अथॉरिटीज़ हैं जिनका कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता जिसका कोई ताल्लुक इल्म के साथ खाब अहल सुन्नत है खवाब वो अपने आप को बरेलवी कहता है खवाबो देबंदी कहता है ख्वाब अहले हदीस कहता है सलफी कहता है जिसका ताल्लुक़ भी हदीस और सुन्नत के इल्म के साथ है जो भी मकतब फिक्र है वो उनको अथॉरिटी समझते हैं उन्हें पढ़े और समझे बगैर किसी की इल्म की सनद ही नहीं मिलती उसको मैं अब सिर्फ उन तक बात रखूंगा उन्होंने किताबें लिखी सैकड़ों कुतुब उनमें से चंद बता रहा हूं बड़ी बड़ी हस्तियां जिन्होंने हजूर सदना गौसम रजी अल्लाह पर मुकाम पर कराम पर अजमत पर मरतबत पर पूरी की पूरी किताबें लिखी ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान और इंडिया की मन गड़त चीज़ें नहीं हैं इमाम अब्दुल्ला बिन असद अलिया उन्होंने दो किताबें लिखी किताब एक है यह नाम दो होंगे कशफ जुनून में असनल मफाखिर फी मना के बे शेख अब्दुल्कर और दूसरी किताब जो इस वक्त मतबूा है छपी हुई है खुद मेरे पास भी है खुलासतुलमफाखिर फी मना के बे शेख अब्दुल्कर फिर इमाम इब्न अल मुलक्किन सही बुखारी के शारे हैं और इमाम इब्न हजर रसकलानी से भी पचास साल पहले वफात का फ़र्क है उनसे कबल बुखारी अरीफ के शार इमाम इबन अमुलक्किन उन्होंने दोरा रजवाहिर फी मना के बे शेख अब्दुल्कािर फिर इमाम कस्तलानी, वो सही बुखारी के शारे हैं इमाम उनकी शराह बुखारी पढ़ी और पढ़ाई जाती उन्होंने अरौदुलज़ाहिर फी मना के बे शेख अब्दुल्का यह मवािबल दुनिया के मुसन्फ़ हैं उन्होंने लिखी, लुखत के सबसे बड़े इमाम और मुहदस इमाम अबू ताहिर मजदुद्दीन फिर आबादी साहेबलकामोस उन्होंने लिखी रौदत नाजिर फी तर्जमत शेख अब्दुल कादिर इनमें कोई पाकिस्तान का नहीं है पाकिस्तान तो वजूद में नहीं आया था न कोई इंडिया का है ये आइमा मुहदसिन है अरब अकाबिर इमाम इज्जुद्दीन बिन अब्दुलसलाम उन्होंने किताब लिखी और कसायद लिखे हज़ुर खों से पाक के इमाम अब्दुल शाह आरानी ने अतबकाकुबरा लिखी इमाम ताजुद्दीन असुब की अशाफे ने तबका तो शाफैतुलकबरा में आपके तस्करे किए इमाम इबन रजब हम्बली सलफी भी हर के केमा इन्हीं की किताबें पढ़ते हैं आप जिसके घर जिसकी मस्जिद में जिसकी लाइब्रेरी में चली जाए इनकी किताबें मिलेंगी आप इन्हीं को कोट करते हैं जुम्मा के खुतबात इन्हीं को पढ़ के देते हैं किताबों में इनके हवाले ये आइमा है आइमा इबन रजब अलहम्बली उन्होंने किताब अज़ैल अला तबकात हनाबे हज़ुर गौसे पाक के ऊपर बाप बनाए इमाम शमसुद्दीन अज़ाबी नाम सुना होगा इमाम जहाबी सैयर आजाम नबला में आपकी करामात का जिक्र किया सब करामात का इमाम अबू बकर अब्दुल ग़नी अल बगदादी उन्होंने तकमलतुलकमाल में आपकी करामात के बाप बनाए मुला अली कारी ने और खातिर में आपकी करामात को बयान किया शेख अब्दुलाक मुहदस देहलवी ने और असरार में आपकी करामात के तफसलत बयान की शाह वली उल्ला मुहदस देहलवी ने हद तफ़ीमात और इलाहिया में बयान की इमाम अब्दुलरऊफ़ अलमुनावी अलकवाकेबा बुजुर्गौ पाक के मनाकब और कराम को बयान किया और मैंने सूफिया की कोई किताब कोट नहीं की सिर्फ आईमय हदीस की मुहदस की फोकहा की और आईमाय इल्म को कोट किया सूफिया ने तो सैकड़ों हजारों हैं जिन्होंने तस्करे लिखे हैं उन्हें कोट नहीं किया समझाना मखसूस यह है कि चूंकि आईमाय इल्म की बात हो रही वो ही रेफरेंस लाना चाहता अब मैं पहला हवाला देना चाहता आपने अच्छी तरह नाम सुना है इमाम इबन हजर अरसकलानी सई बुखारी के सबसे बड़े शार है और हदीस के इमाम और हुज्जत, हजत अमीरमोन हदीस और शर्क से हरब तक अहल सुन्नत का और इल्म हदीस और सुन्नत से ताल्लुक रखने वाले का कोई मकतब फिक्र इनके नाम के आगे सर नहीं उठा सकता ये हुज्जत हैं, अल हाफ अबन हजर रसकर उनसे शुरू कर रहा हूँ अब मैं सूफिया की किताबें या तस्करे उनके हवाले नहीं दे रहा उनकी एक किताब है जिसमें उन्होंने मसाइल का जवाब दिया है मसाइल अजाब अनहल हजर इबन अलस्कलानी फतावाएँ और जवाब है उसमें इमाम इबन हजर असकलानी लिखते हैं अकाबिर आइमा का हवाला देकर माँ वसलत इलैना करामा तो अहद बेतरी तवातुर मिसल माँ वसलत इलीना करामा तो शेख अब्दुल्कर कहते हम तक तबातुर के साथ जब कोई चीज मुतवा से साबित हो तो उस इल्म को में कतई कहते हैं उसका रद्द करना नाजायज है रद्द कर ही नहीं सकते इल्म में ही होता है फरमाया तरीके तबातुर से जितनी कसरत के साथ शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामात हम तक पहुंची हैं आज तक औलिया अल्लाह में से किसी की करामात इतनी कसरत से और तरीके तबातर से नहीं पहुंची ये इमाम इब्न हजर रस ये ये वो इमाम है जो मदीना यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाए जाते हैं जो मिल को में मक्का मक्सम भी पढ़ाए जाते हैं जो मिस्र और जाम अजहर में सूडान अरब अजम पाकिस्तान इंडिया रूए जमीन पर जहां इलम हदीस होगा वहां इमाम इब्न जरस कलानी का झंडा सबसे बुलंद होगा ये वो इमाम है वो सनत दे रहे हैं इस बात की और उनकी करामात को बतरीक तबातुर साबित किया अब आगे समझें बड़ी ख़ास बात बताना चाहता हूँ फिर इमाम बिबन करानी खुद लिखते हैं कि ये जो बात मैंने कही कि हजूर गौसाजम रजी अल्ला कराम बरीके तबातुर पहुँची हैं और इतनी कसरत से जो किसी और वली से साबित नहीं कहते हैं ये मुझे सनद सही के साथ एक और तरीक से भी यह बात पहुंची है यह जरसकलानी लिख रहे हैं कि यही बात पहले तो इमाम इजुद्दीन सलाम को कोट किया अब कहते हैं कि मुझे सनद सही के साथ एक और तरीक से पहुंची है और वो इमाम अल हाफिज शरफुद्दीन अली बिन मोहम्मद अल यूनीनी। उनके तरीक से भी यही बात पहुंची है कि उन्होंने इमाम इस इजबिनब्लाम से यही बात की कि हज़र गौज पाक की करामात बतरीक बतरीक़े तबाहतर साबित हैं और इतनी कसरत से कि किसी वली की नहीं फिर उन्होंने कहा यही बात अलामा ज़ाबी ने भी बयान की है ये सब हवाले हाफिज़ इबिन हजर अस्कलानी ने दिए हैं और ये जो इमाम शरफुद्दीन अली बिन मोहम्मद अलयन जिनका हवाला इमाम अस्कलानी ने दिया है ये कौन है ये बड़ी अहम बात है सही बुखारी का नाम लेने वाले लोग और सही बुखारी ही पर परमाद करने वाले और सही बुखारी के सिवा किसी को न मानने वाले वो तोज्जो करें हाफिज इब्न जो फरमाते हैं कि इमाम शरफुलद्दीन अली बिन मोहम्मद अल युनिनी ने भी सनत सही के साथ उनकी बात मुझ तक पहुंची है और वो कौन है ये इमाम शरफुलद्दीन अलीनी ये वो इमाम हैं जिन से सही बुखारी का लिखा हुआ नुस्खा साबित है जो सारी दुनिया सही बुखारी पढ़ती है इसके चंद नुस्खे हैं इसके चंद नुस्खे हैं उनको उसूल कहते हैं मखतूत हाथ से लिखे हुए उन आइमा पर है उनके कलम पर उनकी सकाहत पर उनकी सेहत पर उनके हाथ पर चंद नुस्खे हैं वो नुस्खे पूरी दुनिया में सही बुखारी के हैं और इनको असह नुस्ख़ इतराक उन तमाम चंद नुस्खों में सबसे ज्यादा सही तरीन नुस्खा सही बुखारी के टेक्स्ट का वो इमाम यूनिनी का है अब जो सही बुखारी पढ़ते हैं वो इमाम यूनिनी का लिखा हुआ नुस्खा पढ़ते हैं चंद उसूल और भी हैं मैं इमाम यूनिनी की बात कर रहा हूँ और अलल इतलाक दुनिया में सही तरीन नुस्खा इमाम यूनिनी का समझा जाता है और ये इमाम यूनिनी जो हैं ये अलामा इबिन तैमिया के भी शेख हैं है उ है। और शमसुद्दीन जहाबी के भी शेख हैं और ये वो हैं कि अभी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी जो ऑटमेन अम्पायर का आखिरी सुल्तान था जब वो उन्होंने ख़त्म कर दी उन्होंने पूरी दुनिया अरब के ओलमा को मिला इमाम यूनिनी का नुस्खा निकाला मकतबों में मौजूद था सात सौ साल पहले से बुखारी शरीफ छप रही है उन्होंने इमाम यूनिनी का हाथ का लिखा हुआ नुस्खा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने अब अपने ज़माने में छापा जब वो नुस्खा उनके खत से छापा तो सात सौ साल से सही बुखारी छपती चली आ रही है जब असल मखतूता निकाल के छापा एक लफ्ज का फर्क नहीं था एक लफ्ज का फर्क नहीं था एक जुमला मुख्तलिफ नहीं था वो नुस्खा भी मेरे पास है चंद लोगों के पास है जो जिन जिन तक वो पहुंचा है वो टर्की का सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का छपा हुआ अब जो बात बताने वाली है जो कहते हैं हम सिर्फ बुखारी को मानते हैं तो बुखारी का नुस्खा जो मशरक से मगरब तब सारी दुनिया पढ़ती और जिस नुस्खे पर एतमाद है वो इमाम यूननी है वो इमाम यूनिनी बयान करते हैं कि हजूर गौसे पाक की करामतें तबातुर के साथ साबित हैं और इतनी कसरत से साबित हैं कि दुनिया के किसी वली की नहीं थी या उनकी बात मान लें या सही बुखारी को पढ़ना छोड़ दें सही बुखारी का नुस्खा मशरक से महरब तब दुनिया में सबसे उमदा नुस्खा जिस पर एतम किया जाता है वो इमाम शरफ जुनीनी का है आपको मेरी बात समझ में आ गई ये आज से सात सौ साल पहले का नुस्खा है उन चंद उसूल में से एक मेजर उसूल है जिस पर एतमाद है सही बुखारी का तो समझाना मकसूद ये है जिन्होंने सही बुखारी अपने कलम से लिखी और उम्मत को दी और 700 साल तक उसी नुस्खे पर एतमाद किया और बुखारी पड़ी जाती है वो हजूर गौश पाक की करामतों के कायल हैं और बदतरी के तबातर कायल हैं तो या इधर जाइए या उधर जाइए अगर उनकी बात पर एतमाद नहीं तो सही बुखारी का नुस्खा ही ठीक नहीं है पता नहीं उन्होंने और क्या डाल दिया होगा अगर वह मोतमद नहीं है तो इस नुस्खे पर एतमाद कैसे आ गया पता नहीं उन्होंने क्या क्या लिख दिया इमाम बुखारी के अपने हाथ से लिखा हुआ नुस्खा तो हम तक नहीं पहुंचा ना ये बात समझें इमाम बुखारी ने अपने कलम से लिखा हुआ कोई नुस्खा नहीं छोड़ा वो दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं कि कोई कहे जी मैं इमाम बुखारी के नुस्खे को मानता हूं इमाम बुखारी के अपने कलम से लिखा हुआ नुस्खा दुनिया में किसी के पास नहीं न किसी लाइब्रेरी में उनके तलामेजा ने आगे रिवायत की है बुखारी शरीफ और इन आइमा तक पहुंची इन जिन आइमा ने उस सही बुखारी की रिवायात को लिखा है और इतनी सेहत के साथ लिखा है कि छप रही थी सात सौ साल से लोगों के पास जब से छपना शुरू हुआ तब से छप रही थी उससे कबल कलमी नुस्खे थे किताबत शुदा नुस्खे पढ़े जाते थे तो सात सौ साल से मुतदावल थी आज कुतुब खानों से निकाल के जब वो छापा तो एक लफ्ज़ का फ़र्क नहीं आया तो मकसद बात का ये है कि जिनके कलम से सही बुखारी के नुस्खे का अतमाद है उनके अकीदे ये हैं ये वो इमाम यूनिनी है अच्छा फिर इमाम इबन जस्कलानी की बात हो रही थी अब इमाम इबन हजर अस्कलानी उनकी एक किताब है मफ़हरिस, जो लोग तसवफ़ का इनकार करते हैं और हाफिज इबन हजर को मानते हैं आप इस मखमसे को दूर करना चाहता हूँ जो सूफिया को नहीं मानते तस्वु को नहीं मानते और इमाम इबन जसकलानी को मानते हैं तो इसके अंदर एक तजाद है कॉन्फ्लिक्ट वो दूर करना चाहता हूँ यह इमाम इबन ज रसकलानी की अपनी किताब है जमलमफारिस इसको तजरीद व आसानी दिलकुतबिल मशहूरत वज़ा अल मंसूर कहते हैं इमाम इबन हज रसकलानी ने खुद अपनी इस जखीम किताब में एक सौ तसव्वुफ की कुतुब का जिक्र किया है एक सौ और अपनी पूरी सनत लिखी है जो आइम्मा से तसव्वुफ की किताबें इमाम इबन हजरस कलानी ने पढ़ी हैं और उनके मुसनफिन तक बानत इजाजत ली है इमाम इबन हजरस कलानी ने सौ कुतुब तसव्वुफ अपनी आसानीद में खुद अपने कलम से लिखी है कि मैंने इनकी इजाजत ली हैं और यह मेरी सनत है इमाम इबन ज रसकलानी तसव्व में अपनी सौ सनदें बयान करते हैं और कुतुब तसवु पर इतिक करके पढ़ते हैं और पूरी सनद बयान करते हैं तो कितने ताज्जुब की बात होगी हम हम कह जरस कलानी को मानते हैं और सूफिया को नहीं। तो ये बड़ा अजीब तजाद है उनमें एक किताब है किताब अलरबइन वो इमाम इबन जसकलानी ने अपनी सनत बयान की है वह हजूर से आज़म के साहबजादे हजरत नसर बिन अब्दुलरक आपके पोते तक जाती हजूर गौ पाक के पोते की किताब इमाम असकलानी ने सनत के साथ पढ़ी और इजाज़त दी अखबराना अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अली बिन इज़न मुशाफ़हतन, अम्बाना अहमद उबन अबी बकर बिन तय अबरी हम्मद बिन याहिया बिन अली बिन हुबैरा अम्बाना नसर बिन अब्दुलरक बिन शेख अब्दुल अब्दुल्कानी इमाम बिबन जरस कलानी हजुर गौसे पाक तक अपनी सनद, अपना शजर इल्म तसव्वुफ में ले जाते हैं बताने का मकसद यह है कि जितने आइम्मा हदीस थे और हुए हैं, उनमें कोई भी सूफिया का मुनकर नहीं था आगे आएगा हती किा इबन तहमिया भी और इबन अकैम भी और हाफिज़ इबन कसीर भी कोई भी तसव्वुफ का मुनकर नहीं था सूफिया का मुनकर नहीं था औलिया की करामात का मुनकर नहीं था उनकी अकीदत थी उसी तरह उनसे और इकतसाब फैज करते थे तो अगर हम इन से अपना रक्त रखते हैं और इनको मानते हैं और इनके तरीक को नहीं मानते तो ये फिर तजाद आ जाता है जैसा कि मैंने अर्ज़ किया बहुत बड़े इमाम हदीस में हैं इमाम इबन रजब अलहम्बली उनकी किताब है अजैल अला तबकात बक़ात अब मैं उसकी इबारत पढ़ रहा हूँ आप सूरत सुन लीजिए ये आइमा है हदीस के जिनको अहल हदीस और सलफ़ी हजरात भी हजत मानते हैं और उल्माए उल्माए बरेली जमी आल सुन्नत हजत मानते हैं जिनके जरिए से इल्म हदीस पहुँचाए वो हज़रत सजना शेख अब्दुल्क़िर जीलानी रजी अल्लाह जिक्र करते हैं आज हम अपना रविश भी देख लें उनका नाम हम किस तरह लेते हैं और स्कॉलर भी कहलाते हैं और आलिम भी कहलाते हैं और इनका तरीक़ा क्या है इनका अदब और न्याजमंदी अक़ीदतमंदी क्या है वो फरमाते हैं हज़ुर गौ पाक का जिक्र करते हुए अजाहिद शेख असलम कुतारफी सुल्तानमशाइ सैयद सैदाह तरीका भी वक्त ही मुहद्दीन अबू मोहम्मद साहिबुलमकाम वल करामात कराम वाल वालूम वलमआारफ वलवालशहूरा ये इस तरीके से नाम लिखा हुआ से इतना गौस जो गौसम रजी अल्ला अब देखिए कि जो आइम्मा थे उनके यहाँ अदब की अहमियत क्या थी और हम वो जो जुहाल जो हदीस बुखारी में था कि जब आलिम उठ जाएंगे और जाहिलों को आलिम बना दिया जाएगा और वो गुमराह होंगे और गुमराह करेंगे आज का जमाना देखे हम उन बुजुर्ग हस्तियों के नाम किस तरह लेते हैं इस तरह तस्करा करते हैं कि कोई अपने मुलाजिम का भी नाम इस तरह मा अल्लाह इतनी बदखलाकी से नहीं लेता हया उठ गया है जिस इल्म में हया ना रहे जिस इल्म में वफा न रहे जिस इल्म में अदब ना रहे वो इल्म जहरीले सांप की तरह उसमें कोई खैर नहीं अब वो बयान करते हैं कि हज़ुर गौसे पाक रजी अल्ला करामात मशहूर हुई ये इमाम इबन हम्बली, अहवाल मरूफ हुए अकवाल मरूफ हुए करामात मरूफ हुई मुकाशफ मरूफ हुए, हुए हत्या के बादशाह वक़्त आपसे खौफ ज़्यादा होते और थरथराते कांपते थे डरते थे अब इबन रजब अलहम्बली फरमाते हैं कि मैंने इमाम वफक जो किताब अलमुनी ये फीका हमली की सबसे बड़ी मोतबद तरीन किताब पूरे आलम में पूरे आलम में उन चंद कुतों में से है अलमुगनी इल्म को शगफ रखने वाले जानते हैं इमाम मुफ्क उद्दीन जो अलमुगनी के मुशनफ़ हैं फीका हमली की बहुत बड़ी अजीम किताब है वो कहते हैं लम असम अन अहद योह का अनहमिन कराम अक्सर अमिमा युह का अनशेख अब्दुल्क़िर वो फरमाते हैं मुगनी इमाम मुफ्दीन वो कहते हैं कि हमने जिंदगी में ओलिया में से किसी की करामात इतनी कसरत से नहीं सुनी जितनी हज़ूर गौसा आजम शेख अब्दुल जी जिलानी की वला रई तोन युमिन अजल दीन अक्सर अमिन हो और हमने रुए ज़मीन पर ऐसा कोई शख्स नहीं देखा और सुना जिसकी इज्ज़त और तजीम दीन की वजह से शेख अब्दुल्कादिर जी रानी से बढ़ की जाती है जमीन पर सबसे ज्यादा तजीम आपकी होती थी ये इबन रजब हमली लिख रहे हैं और साहिबुलमगनी का कौल और फिर इमाम इज्जुद्दीन बिन अब्दुलसलम शेख उनका कौल लिखते इल्ला हैं अन्ना तबातर कराम शेख अब्दुल्क फ इन्ना करामात नोकिलत बि तबातुर फरमाते दुनिया में किसी वरी की करामात इतने तबातुर के साथ बयान नहीं हुई जितनी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की यह कह कहकर अब वाक बयान करते हैं आपकी करामत ये किताब इमाम इबन रजब हम्बली की किताब है नाम सुन लें अजैल अला तबकतल हना बेला उसमें वो लिखते हैं वो कहते हैं कि हमने खुद आंखों से पढ़ा है इमाम नासिहुद्दीन अल हमली के ख़त से कलम से और वो कहते हैं कि उनके शेख इमाम अबुल हसन ने बयान किया अल्फकी ने और उनको कहा वजीर था उस वक्त के जमाने का इबन हुबैरा इब्न हुबैरा वजीर था उस वजीर को खलीफ वक्त ने बुलाया ये कौन ये मैं कोई एक हवाला भी सूफिया की कितु से आज नहीं दे रहा कोई एक हवाला भी कोई भी सिर्फ अम हदीस फरमाते हैं कि वजीर इबन हुबैरा को बुलाया बादशाह ने खलीफा ने खलीफा का नाम था अलमुखी अमरिल्ला हजूर सदना गौसम रजील तु के ज़माने में कई खलफा गुजरे बनू अब्बास के अब ये वाक्य बयान कर रहे हैं खलीफा अलमुखी अमरिल्ला उस खलीफा ने अपने वजीर को बुलाया उसका नाम इबन हुबैरा उसको कहा कि मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी से एक शिकायत है किसने कहा बोलिए मैं आपको कनेक्ट रखना चाहता किसने खलीफा ने कहा वजीर को कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी से एक शिकायत है वो मेरा जिक्र करते हैं और मुझे बहुत हकीर जानते हैं और मेरा जिक्र अच्छे तरीके से नहीं करते वजीर ने पूछा कैसे उन्होंने कहा अपने मदरसा में जहां वो खिताब करते हैं उस मदरसा के सेन में खजूर का दरख्त है छोटा सा खजूर का दरख्त है तो खिताब के दौरान उस खजूर के दरख्त को कितना इशारा करते हैं खजूर के दरख्त वाला वाली बातें यह बात है या उस खजूर के दरख्त को कहते हैं खजूर का दरख्त खबरदार अपनी हद से आगे ना बढ़ना नहीं तो तुम्हारा सर कर्म कर दूंगा ये खिताब में कहते हैं खजूर के दरख्त को मगर सुनाते हैं मुझे ये खलीफा अल अलमुखी अमरिल्ला ने कहा वजीर इबन हुबैरा को दरअसल वो मुझे सुना रहे हैं तो मुझे कहते हैं तुम्हारा सर कर्म कर दूंगा अगर तुमने जुल्म किया अदल की हदूद से तजावज किया लोगों के साथ ज्यादती की इंसाफ ना किया करप्शन की दीन की हदूद को तोड़ा तो मैं ए खलीफा वक्त तुम्हारा सर कलम कर देगा अब बजाय मेरा नाम लेने के ये बात खजूर के दरख्त को कहते हैं और मुझे पता है कि मुझे कह रहे हैं वजीर ने कहा कि अब मैं क्या करूं खलीफा ने कहा कि आप उनके पास जाए खामोशी से अकेले उनसे मिलें अकेले और उन्हें कहें कि खलीफे वक्त से टकराना छोड़ दें इससे आपकी इंकलाबी शख्सियत का भी अंदाजा चल जाएगा खलीफा ने कहा कि जाके अकेले कहें कि खलीफा वक्त से टकराना छोड़ दें मुझे ना ललकारा करें और जो आपको मालूम है कि खिलाफत की हुरमत और मुकाम और स्टेट का और खिलाफत का क्या होता है शेख अबुल हसन कहते हैं वजीर ने मुझे भेजा कि आप जाकर अकेले में मिल के उनसे यह बात कह दें मेरी तरफ़ से और बता दें कि मुझे खलीफा ने कहा जेकबुल हसन अलफ़ी कहते हैं मैं हज़ूर गौसे पाक के रजी अल्लाह के मदरसा में मजलिस में गया मैं इंतज़ार करता रहा कि खलवत मिले अकेले में बात करूं मगर वो तो अभी टाइम नहीं आया आपका खिताब हो रहा था मैं आपकी मजलिस में बैठ गया मैंने कहा ख़िताब सुन लूँ जब खिताब खत्म होगा तो मैं अकेले वक्त मांगूंगा रिक्वेस्ट करके तो अकेले जा के बात करूंगा अब शेख अबुल हसन फकी जो मिनिस्टर की तरफ से इब्ने हुबैरा की तरफ से आए थे वो कहते हैं कि मैं बैठा था साइड पर तो खिताब के दौरान खिताब के दौरान ऐसे मेरी तरफ देखा और आप फरमाने लगे नास हाँ खजूर के तने तुम्हारा सर कलम कर दूंगा वो ये मैसेज लेके आया था बेखुदा खलीफा से ना टकराए और अभी बात करनी थी खिताब के बाद वो कहते जू ही मुझ पे नजर पड़ी तो आपने फरमाया है खजूर के तने सीता रहना हाथ से ना बढ़ना तुम्हारा सर कलम कर दूंगा वो कहते मैं समझ गया कि ये मुझे सुना रही है मैं खड़ा हो गया मजलैसे चला गया मैंने जाके वजीर को बताया कि ये वाक हुआ है बकर वजीर वजीर ये सुनकर जारो कतार रोने लग गए उन्हें कहा उनका मुकाम है अब ये मैं आपको इमाम इबन रजब अल हम्बली की किताब से बता रहा हूं फिर दूसरा बयान करते हैं वो कहते हैं दूसरा कि इमाम अबुल हसन बिन नजा अलवाज उनका हवाला देते हैं वो कहते हैं कि मैं हजूर सौसम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास गया उनके हालात का सुना था तो मैं गया कि उनके साथ नमाज ईद अदा करूँ ईद का दिन था जब वहां पहुंचा तो बड़ी मखलूक थी बहुत हजूम था और लोग आपके हाथ चूम रहे थे ये इमाम इबन नजर हम्बली बयान कर रहे हैं लोग उनके हाथ चूम रहे थे व नास हो ये आलम था आईम हदीस लिख के ये नहीं कहा ये कि आप बिदत कर रहे हैं ये क्या ना जाए इस काम में आईम हदीस लिख रहे हैं और फरमाते हैं वहां आए नमाज ईद से पहले तो सल्ला फसल ने कबल सलाह था आपने नमाज ईद से पहले के दो रकत नमाज पढ़ लिया दो रकतें पढ़ ली अब वो फरमाते हैं फकुल तुफी तो नफसी महा से सलाह मैंने अपने दिल में सोचा ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं शेख नमाज ईद से पहले तो कोई नफल या रकत पढ़ना सुन्नत नहीं है सुन्नत सुन्नत तो यह है कि नमाज ईद से पहले कोई नफल ना पढ़े जाए ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं ये मेरे दिल में आया तो जब आपने नफल पढ़ के सलाम फेरा फल्मा सलमा अलता उनको मालूम नहीं कौन आया सलाम फेर के मेरी तरफ देखा और देख के कहने लगे काला लहा सबब उन ये जो दो नफल मैंने नमाज इससे पहले पढ़े हैं इनका कोई सबब है फिर अल्लामा अब तैमिया अब अल्लामा अबन तैमिया अपनी किताब अल इसमा में लिखते हैं और इबन रजब अल हम्बली ने भी अपनी इसी किताब में उनका हवाला दिया है मगर मैं असल किताब अमामा अबिन तैमिया से कोट कर रहा और भी अइमां ने लिखा अलामा अब तैमिया बयान करते हैं कि मैंने इमाम इज्ज़ुद्दीन अहमद अल-फारूसी से बराह रास्त सुना उन्होंने ये रिवायत की मुझे उन्होंने शेख शहाबुद्दीन और वर्दी से बराह राश साहेब अवारिफ़ उनसे सुना इमाम शहाबुद्दीन सर वर्दी फरमाते हैं कि मैं इल्म कलाम पढ़ना चाहता था इल्म कलाम एक लॉजिकल नॉलेज होता है अकायद के लिए दलाइल का पढ़ना चाहता था और मैं क्लियर नहीं था कि कौन सी किताब पढूं मुतरद था क्लैरिटी नहीं थी इमाम, नहीं थी। इमाम नहीं की किताब इरशाद पढूं या शारिस्तानी की किताब नहायतुल इकदाम पढूं यानी मुख्तलि किताबों में उलझा हुआ था या कोई और पढूं तो मैंने चाह कि मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खिदमत में जाता हूँ हजरत शेख शहाबुद्दीन सोरवर्दी रमत तो उनसे कोई रहनुमाई लेता हूँ कि कौन सी पढ़ूँ कहते मैं अपने खालू शेख अबुल नजीब सोहरवर्दी के साथ आपकी खिदमत में गया वो आपके पास नमाज पढ़ने जाया करते थे अभी मैं गया नौजवान था अभी पहुंचा तो पहुंचते ही आपने मेरी तरफ देखा सीतना शेख अब्दुल कदर जिलानी ने काला फलताफा शेख अब्दुल अब्दुल्का मेरी तरफ देखा वह काला या उमर देखते फरमाया उमर शहाबुद्दीन उमर सोहर माह हुआ मिनजादिल कब्र, मा मिन कब्र जो किताबें तुम पढ़ना पूछने आए हो ये कब्र की निजात नहीं देंगी जिन किताबों का पूछने आए हो ये कब्र का सामान नहीं करेंगे फ्रजा तुम मैंने अपना इरादा बदल लिया ये वाकया लिख कर आगे बयान करते हैं अमामा अब तैमिया बयान करते हैं अखबार अनना शई काफा बेमा कानी कल बी बना कलाम कि उन्होंने बताया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कश करके हजरत उमर शहाबुद्दीन सोरवर्दी के दिल में जो था उसको पढ़ लिया अब ये कौन बयान कर रहा है बोलिए अल्लाह में अब यह ये, ये कोई सुफिया के बयान किए हुए तस्करे नहीं है ये आइम्मा है फोकहा है मुहदसीन है मुतकलमीन है, है। और फिर अपने रजब हमली ने यहां आगे गौसम रजी का एक कौल बयान किया फरमाया अलखल को हिजा का फरमाते हैं कि बंदे तेरे लिए हिजाब है मखलूक की वजह से तू अपने नफ्स को समझ नहीं सकता धोखे में रहता है वह तो नफ्सों का हिजाबों का अन रब और तेरा नफ्स तेरे रब के दरमियान हिजाब है परदा है नफ्स की वजह से तुझे अल्लाह की मारिफत नसीब नहीं होती परमाया मा दुम तरल खल का ला तरा नफ्सक जब तक तू लोगों को मखलूक को देखता रहेगा कभी अपने नफ्स को नहीं देख सकेगा वह मा दुम तरा नफ्सक ला तारा रबक और जब तक अपने नफ्स को देखता रहेगा अपने रब को कभी नहीं देख सकता ए बंदे या खालक के साथ लग या खालक के साथ ताकि तेरे हिजाबात उठ जाएं अब ये वो तालीमत थी जो उन्होंने दी और इन ही तालीमात और अमाल और अहवाल की वजह से उनको करामात और मुकाम मिले बाज लोग जैसे मुर्दों का जिंदा करना इस तरह की करामतों का भी मजाक उड़ाते हैं और मजाक इसलिए उड़ाते हैं कि सिरे से इलमी नहीं है किताबों को पढ़ा ही नहीं है आइम्मा को अथॉरिटी को नहीं पढ़ा जहालत है अब यह किताब है इमाम ताजुदीन असुब की अशाफ़ी की तबक़ात कुबरा मारूफ किताब है उसमें वो एक बाब में करामात का जिक्र करते हैं तब का एहसानिया में सफा पांच सौ चौबीस पर और आगे लिखते हैं कि बाज़ लोग समझते हैं कि करामात की दस किस्में लेकिन कहते हैं दस नहीं मेरे नजदीक ज्यादा है और एंड पर लिखते हैं कि सौ अकसाम है करामातलिया कराम से जो करामात शादिर होती हैं उनकी सौ कैटेगरीज हैं कैटेगरीज सौ अकसाम है जो करामात और या की साबित होती हैं उनमें करते करते वो बयान करते हैं कि एक ये भी करामत है कि करामतन बाद बाज और या अल्लाह मुर्दे भी जिंदा करते हैं ये इमाम ताजुद्दीन असुब की तबका तो शाफैयतुल कुबरा बयान कर रहे हैं और फिर वो फरमाते हैं कि मुर्दों का जिंदा करना यह करामत सौसम शेख अब्दुल कादिर जिलानी से साबित है ये इमाम ताजुद्दीन सुब की कह रहे हैं और आपने वाकया बयान किया कि आप खाना खा रहे थे मुर्गा था उसकी हड्डियां रख रहे थे जब फारे हुए खाने से हड्डियां जमा हो गई तो आपने उन हड्डियों को कहा कुमी अल्लाह जी योजाम वही अरमीम उठो अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जाओ जा। जो मुर्दों को जिंदा करता है वह कामत दजाजत मुर्गी जिंदा होकर खड़ी हो गई अब आम तसुर यह दिया गया है कि शायद ऐसी बातें पाकिस्तान और इंडिया के लोगों ने घड़ ली है ये भाई इमाम ताजुद्दीन की तबका तो कुबरा में बयान करना अब तमिया ने भी बयान किया फतावा के उमूमन सलफ और फताबा से सहाबाता अबिन तैमिया ने कहा कि मोहता मुर्दों को जिंदा करने की करामत हक है लामा बिन तैमिया उनके अल फताबा में अब आप कहा जाएंगे सिवाए इसके कोई वजह नहीं कि पढ़ाई नहीं है किताबों जखीरे हैं फिल्म के कभी खोल के देखा ही नहीं इसी तरह फिर आपने और करामात बयान की मुर्दों का कराम करना यह भी वो कहते हैं कि शेख अब्दुलकादिर जिलानी की करामात में से है मुर्दों का कराम करना और बाकी बीमार या मफलूज का सेहत याब होके खड़ा हो जाना फिर इनको बयान किया फिर इमाम जदारुद्दीन सियोती ने अब देखिए कोई एक नाम मैंने गैर मरूफ नहीं लिया जिसको शगाफ तो इलम है वो इन हस्तियों के मुकाम और मर्तबा को जानता अब इमाम जलालुद्दीन सियोती से भाग कर कहाँ जाएंगे आप इमाम इबन जलानी से भाग कर कहा जाएंगे इबन तमिया से भाग कर कहाँ जाएंगे इमाम इबन रजब हमली से भाग कर कहाँ जाएंगे यह सारे इत रखते हैं इमाम जदारुद्दीन सूती बयान करते हैं वो फरमाते हैं अपनी अल्हावीफा दो जिल्दों में आपके रसायल का मजमू उसके अंदर फरमाते हैं और इमाम इबन उलमुल्क्न जो शार बुखारी हैं उन्होंने भी बयान किया और कई आइमान ने हदीज़ के आइम्मा ने वो कहते हैं कि शेख अब्दुल्किर जिलानी रजी अल्लाह तुम ये कौल बयान किया उन्होंने फरमाया कि नमाज जोहर से कबल मैंने आकाम को देखा और आलम बेदारी नमाज जोहर से कबल मुझे हजूसलाम ने फरमाया बुनैया तकल्लम ऐ मेरे बेटे खिताब क्यों नहीं करते बगदाद ज़ुहर का टाइम था उससे कबल आकाल सलाम सामने आया मैं बेटे खिताब क्यों नहीं करते मैंने अर्ज किया या रसुल्ला मैं अजमी आदमी हूँ क्योंकि आप असलन ईरान के सूबा गीलान के रहने वाले थे फारसी जुबान के और तालब इम के तौर पर बगदाद शरीफ कहे थे बगदाद तो फरमाया मैं अजमी हूँ ईरानी हूँ तो ये फसाए बगदाद हैं अरब के बगदाद के बड़े बड़े फसी और बलीर लोग हैं मैं इन्हें अरबी जुबान में कैसे खिताब करूं मेरी नहीं है आका फरमाया बेटे शेख कादिर जी रानी बेटे मुंह खोलो आकाम ने सात मरतबा अपना लुआब दहन मुबारक डाला मेरे तो मैं गया मजलिस से में अब खिताब के करीब था तो वहां सैदना मौला अलीजा सामने आ गए नमाज जहर के बाद जोर से कबल आकाल इस्लाम और नमाज जहर के बाद खिताब से पहले सैदना अलीजा रजी ताला उन्होंने फिर फरमाया कि बेटे मुंह खोलो मैंने मुंह खोला आपने छ मरतबा अपना लुआब दिन मेरे मुंह में डाला मैंने अर्ज किया क्यों डाला है लेमा ला तुक मिल सब अन् सातवीं मरतबा क्यों नहीं डाला जैसे आकर आका हमने डाला था मैं अदब मा रसूल हजूराम के अदब की वजह से इस्लाम के अदब उन्होंने सात मरतबा डाला है मैं अदब को कम रखना चाहता ये इमाम जलालुद्दीन सूती बयान करते हैं इसी तरह आप एक अब्दाल को मुकर करने की करामत बयान करते ये इमाम जलालुद्दीन सूती का आला इमाम सखावी हैं। आल में। ये भी उसूल के बहुत बड़े इमाम हैं। मैंने सुफिया के कोट नहीं किए आई मैं हदीस। वो बयान करते हैं इसी तरह फिर इमाम अल अलमुनावी हैं वो बयान करते हैं वकान फिर फिक व तसवफ इमाम तसव और फिक में आप इमाम थे और अजमा ही अहलखलाफ वफाक उनको मानने वाले और मुखालफत करने वाले सब कोई आपके मुकाम इमामत को मानता था और फिर आप फरमाते हैं कि आपकी इमामत का दर्जा हद कती को इल्म कती को पहुंचता है दुनिया में कोई इनकार नहीं कर सकता और फिर इमाम मुनावी अलमुनावी वैफ वो फरमाते हैं कि आपकी करामात में से एक ये भी थी कि आकल असलात की वरासतन आपके मुबारक पर भी मक्की नहीं बैठती थी और ये वो करामत है जो आकल असल के मोजा से वरासतन उनको मिली थी जैसे मैंने अलामा अबिन तैमिया का बयान किया वो इबन तैमिया अपनी किताब इसमा में जब आपका नाम लेते हैं कहते हैं अन्ना साला एक शेख का जिक्र करते हैं साला अब मोहम्मद अब्दुल जी के कुतुब शेख अब्दुल कादिर जिलानी से यानी यह अकीदा था कि किफीन पर कुतब भी होते हैं और यह उनका दर्जा होता है फिर उन्होंने और चीजें बयान की फिर मजमूल फताबा में अलाम अबिन तहमिया ने साढ़े चार सौ सफात पर मुश्तम किताब लिखी है किताब इल्म सुलूक जो शख्स चाहे तखीम तीस चालीस जिल्दों में अल्लामा अबिन तैमिया का फतावा मौजूद है हर बड़े मकतबे में मौजूद है हमारे पास भी है मजमू अल्लामा अबिन तैमिया की जिल्द पंजुम पांचवी जिल्द के अंदर साढ़े चार सौ सफात अलामा अबिन तैमिया ने किताब इलम सुलूक तसव्वुफ के इल पर लिखी साढ़े चार सौ सफात

जिनको दुनिया है इल्म हमेशा से सनद मानती है भले नुकते नजर से किसी का इख्तिलाफ होता है जो कुछ होता है मगर उनके मुकाम में इल्मी से कभी किसी ने और मरतबा से इनकार नहीं किया उनका आलम यह है कि वो उनकी किताबों की शरा लिखते हैं मैंने रेफरेंस दे दिया है हर सुनने वाले को चाहिए मजमू अलफा इबन तमिया पांचवी जल्द उठाएं साढ़े चार सौ सा सिर्फनाजम की किताब फतूल की शराह इसके आधे सफात पर लगभग समझें सवा दो सौ अढ़ाई सौ सफात सिर्फ से की की ख़ैब यानी अंदाज़ा करें कि उनकी अकीदत क्या था और उनका एहतराम क्या था और उनके मुकाम व मरतबा का तस्लीम करने का आलम क्या था ये अलामा इबन अलक्यम है कौन कौन सा नाम किस किस से अगर ये किसी की बात को नहीं मानना तो फिर तो जखीरा खत्म हो गया फिर से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा मैंने तमाम जिहाद के के दर्ज कर दिए इब्नुल इब उन्होंने बाब कायम किया फसल अपनी किताब मजार जो सालिकीन में कुन के बिला जो मैंने शुरू किया था वो अल खल बिला नफ्स बाप कायम किया कि हक के साथ हो मखलूक को निकाल कर और मखलूक के साथ हो नफ्स को निकालकर यह अगला जुमला उसमें फरमाते हैं मदारक बल खलक अल्लाह अल्लाह के साथ हसन खोलक और मखलूक के साथ हसन खोल इसका मदार दो हरफों पर है सिर्फ दो हरफों पर और फरमाते हैं वो दो हरफ वो खुलासा है अल्लाह के ताल्लुक को कैसे हासिल करें और मखलूक के तल्ल में सफाई कैसे हो वो कहते हैं सारे तस्व का खुलासा शेख अब्दुल जी नानी के दो हर हैं आपने फरमायाल हक के बिला खल सिंह मल खल के बिला नफ सिंह अगर अल्लाह के साथ हो तो मखलूक दरमियान में न रहे और अगर मखलूक के साथ बर्ताव हो तो तेरा नफ़ दरमियान में न रहे कह के फरमाते हैं कि आपके इस कलाम में सलूक और तरीकत और तस्फ के सारे कवायद दो लफ्जों में जमा हो गए हैं यही तरीका बंदे का वास्ता अल्लाह से भी दुरुस्त कर देता है और मखलूक से भी दुरुस्त कर देता है यानी इस दर्जे के वो अपनी किताबें भरते हैं यानी शेख अब्दुलका जी और आगे बहुत सारे अबाब है ये लामा अब्नल क्यम के मैंने बताया इस तरह हाफिज अपने कसीर भी जिक्र करते हैं आप तब ये है कि इल्म में जिस आलम और जिस इमाम की किताबें उठाने हजूर से गौस आजम शेख अब्दुल्का जीानी के तस्करे से किसी का कलम महरूम नहीं रहा और फिर तस्करा इस तरह उनके अहवाल भी बयान किए मुकाम भी बयान किए उनकी तालीमात और कलेमात भी बयान किए और उनकी करामात भी बयान किए आज अगर कुछ लोग अपनी जहालत के बायस उनके लिए तंबी है बात खत्म कर रहा हूं इतना बड़ा मुकाम और मर्तबा खुदा के लिए आपका जिक्र करें तो सनत के साथ करें उन कुतुब से पढ़ के करें जो कुतुब मतमद हैं जिनको आइमा ने लिखा है बाजुकात अच्छा केस नालायक वकील हार जाता तो आप जब खेलेंगे आइन्मा के मुबारक नाम से और झूठी मन बातें बताएंगे जिनकी कोई असल नहीं है कोई सनद नहीं है तो नतीजतन आप उन बुजुर्गों के मुकाम पर भी इनकार इतराज करवाएंगे मुनकरीन की जुबानें खोलेंगे लोगों के अकीदे खराब करेंगे तो मकसद बात का यह है ताक के लिए जब अल्लाह के दीन की बात हो सनत के साथ असल के साथ उसूल के साथ जबते और कायदे के साथ अगर गलत बात कर देंगे तो जो लोग इनकार करने वाले तनकीदराज करने वाले उनकी जुबानें खुलेंगी और असल अकीदे पर वो हमला आवर होंगे और नकल को रद्द करते हुए असल का भी इनकार करवाएंगे आपकी नस्लों के अकीदे खराब पाकिस्तान में ऐसी बातें करते हैं लोग इंडिया में करते हैं बांग्लादेश में करते हैं मैंने सुने अल्लाह माफ कर दे हमेशा जब बात करें असल पर करें तो माँ नाबल अल्लाह पाक हमें अपने कर्म से नवाजे और हमेशा खैर पे रखे असल वरहमत ला वक्त